ऑलराइट, और देखिए ये है इस वक्त की सबसे बड़ी खबरें, लेकिन आपको बता देते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन कौन से मेहमान आपकी आज मदद करने के लिए सीएनबीसी आवास पर हैं। तो आईएएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन साहब होंगे, और हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन, हफ्ते के पहले कारोबार दिन उनसे हम जरूर उनको जोड़ते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स हैं जिसके ऊपर अगले हफ्ते नजर होनी चाहिए, हफ्ते के आखिरी ट्रेडिंग सेशन रणनीति क्या हो। ये बताने के लिए आईएफएल सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन के अलावा विलियम ओ'नील के मयूरेश जोशी साहब हमारे साथ होंगे, एलएफएस ब्रोकिंग के राजेश सतपुते साहब हमारे साथ होंगे, और एक्सिस सिक्योरिटीज के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड राजेश पालविया भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो ये सब मेहमान हैं देखिए जो मदद करेंगे आपकी 10 बजे तक का। लेकिन सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं और समझ लेते हैं उनसे कि अमेरिका के बाजारों में ये अकस्मात जो मुनाफा वसूली देखने को मिली है उसके पीछे ट्रिगर्स क्या थे। नीरज बताइए। देखिए अमेरिका में कल 2-3 बातें हैं जो समझने की है। पहले तो आपको बताऊं कि जो आप लोग देख रहे होंगे टेक्नोलॉजी शेयरों में बहुत जबरदस्त मुनाफा वसूली हुई, मतलब 4-4, 5-5% सब गिरे और अच्छे से गिरे, आप कह सकते हैं पूरा सेक्टर प्रॉफिट बुकिंग के अंडर में आया। उसके पीछे एक बड़ा रीज़न ये था कि जो जॉबलेस क्लेम का डेटा आता है वो कमज़ोर आया, उसमें नंबर बढ़े, और चूंकि वो डोल की सीमा ख़त्म हो रही है तो उसको चिंता हुई कि अब आगे क्या होगा, क्या नया पैकेज आएगा, पैकेज पर चर्चा ऑलरेडी चल रही है। तो उसकी वजह से जहां मुनाफा लोगों का बन रहा था वहां लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। तो उसमें सबसे पहले शिकार बने टेक्नोलॉजी शेयर्स, जिसमें आप अमेजोन को देखिए, टेस्ला को देखिए, माइक्रोसॉफ्ट देखिए, फेसबुक को देखिए, निविडा को देखिए, इंटेल को देखिए, सब में प्रॉफिट बुकिंग हुई, बावजूद इसके अच्छे अच्छे नतीजे भी आ रहे थे। दूसरी बात ये हुई कि एप्पल के खिलाफ एक जाँच शुरू चल रही है वहाँ पर अमरीका के कई स्टेट्स में, और वो एक बाकायदा एक ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि एंटी ट्रस्ट है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्राहकों के साथ इनकी एक धोखाधड़ी तो मैं नहीं कहूँगा लेकिन गलत जानकारी देके प्रोडक्ट रखे गए हैं। तो उसकी वजह से भी एक दिक्कत है और एप्पल का शेयर इसीलिए 5% गिरा। दूसरा एप्पल से जुड़ी खबर ये भी थी कि उनके जो 3 नए फ़ोन लॉन्च होने वाले हैं वो थोड़ा डिले हो गए हैं, वो अक्टूबर लास्ट तक जाके होंगे क्योंकि कोविड की वजह से प्रोडक्शन में दिक्कत है। तो इस वजह से भी और टेक्नोलॉजी शेयरों में दिक्कत आई। तीसरी बड़ी घटना माइक पोम्पियो ने कर दी। माइकल पोम्पियो ने कल एक बहुत फायरी स्टेटमेंट दिया, बड़ी ज़बरदस्त स्पीच दी, और उसमें उन्होंने खुले तौर पे चेतावनी दी कि चीन को किसी भी हालत में उसकी दादागिरी या उसकी विस्तारवादी नीति या हड़पने की नीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसको हर स्तर पर रिटेलिएट किया जाएगा। तो बहुत सारे डॉट्स हैं जो आप कनेक्ट करके देखिए कि साउथ चाइना में बहुत ज़्यादा डिप्लॉयमेंट हो रहा है, हुवेई को रोक दिया गया है, टिकटॉक को रोक दिया गया है, भारत से भी कहा जा रहा है कि आप हुवेई को रोकिए, यहाँ पे ब्रिटेन ने ऑलरेडी रोक दिया है। पैंडमिक जो कोविड फैला है उसका सीधे तौर पे जिम्मेदार चीन को बताया गया और ये कहा गया कि उसी की वजह से पूरी इकॉनमी दुनिया की ध्वस्त हो रही है। तो जब इस तरीके के टेंशन बढ़े तो मार्केट में थोड़ी सी और प्रेशर बढ़ा और इसीलिए बिकवाली आपको देखने को मिली। अब मेरा इसमें कॉल ये है कि देखिए जो टेक्नोलॉजी शेयरों में हुआ वो बहुत लोकल प्रॉब्लम है वहाँ की, कि वहाँ पे एक जांच चल रही है या एप्पल का थोड़ा डिले हो गया तो वहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग है, वो लोकल है, उसका कोई इम्पैक्ट दुनिया के दूसरे मार्केट्स में नहीं होगा। जॉबलेस वाला है वो एड्रेस किया जा रहा है, पैकेज की तैयारी चल रही है, उस पर बातचीत चल रही है, तो वो भी एक लोकल इशू है, इसलिए उसका भी दूसरे देशों के मार्केट पर बहुत असर नहीं आएगा। तीसरी जो घटना चीन और अमरीका के बीच तनाव की है, ये डेफिनेटली पूरी दुनिया की मार्केट के लिए एक दिक्कत की बात हो सकती है। जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट्स होंगे तो मार्केट ऊपर नीचे होगा। अंत में मेरी कॉल ये है कि अमेरिका के बाजारों में अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड पढ़ना गलत होगा, आप गलत साबित हो जाएंगे अगर आप ये समझ रहे हैं कि गेम पलट गया है। गेम पलटा नहीं है, ये एक इंट्राडे कॉल थी जिसमें मैंने आपको समझाया कि तीनों घटनाओं की वजह से मार्केट क्यों गिरा है। तो इसलिए मेरी कॉल अभी भी तेजी वाली है, अभी भी चीजें बदली नहीं है, पलटी नहीं है कि आप ट्रेंड रिवर्सल देखें। और भारत में आप देखिए कल फिर हमारे फिरंगी दोस्तों ने जोरदार तरीके से खरीदारी करी। अब भैया घरेलू वालों को आप लोग मना लीजिए। नहीं, घरेलू वाले समझदार हैं नीरज, इनको तो हमने पहले ही समझाया हुआ था कि खरीदारी करिए, तो घरेलू वाले स्मार्ट हैं। ये ऊपर में देखिए एफआईआर को दे रहे हैं, और अगर ये नहीं देंगे तो एफआईआर को कौन देगा माल। तो अच्छा है कि घरेलू वाले थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, और करनी भी चाहिए इन स्तरों पर। जब आपने निचले स्तरों पर सही भाव पर बाजार को खरीदा था, जब लोअर सर्किट्स लग रहे थे, तो अब देखिए वो बेच रहे हैं, तो अच्छी बात है ये। तो आप देखिए, लेकिन एफआईआईज की तरफ से 4-4 डिजिट की बाइंग का फिगर ये बताता है कि यहाँ से पार्टी अभी जारी रहने वाली है। आप देखिए क्या गजब की खरीदारी उन्होंने कल के मार्केट में भी करी, और ये हफ्ता
अब तक का सबसे बढ़िया हफ्ता रहा है, क्योंकि एक हफ्ते में 8,100 करोड़ रुपए की खरीदारी एफआईएस की तरफ से हुई नहीं। और कल भी हम आखिरी सौदा में कह रहे थे, सुबह सुबह कह रहे थे एफआईएस की तरफ से पैनिक बाइंग जारी रहेगी, तो 1740 करोड़ रुपए की बाइंग उनसे उनकी तरफ से हुई है। उससे पहले वाले दिन देखिए 1665 करोड़ रुपए की बाइंग उन्होंने करी है, और उससे पहले भी देखिए वो खरीदारी का मूड बना चुके हैं। तो डिप्स में खरीदारी करनी चाहिए, ये बात पक्की है। और नीरज जो आपको बता रहे हैं कि इससे आपको घबराना नहीं चाहिए, नीरज चर्चा ये चल रही है कि ओवरबॉट हो गए हैं बहुत सारे एप्पल, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, टेस्ला जैसे स्टॉक्स, टेस्ला अच्छे नंबर्स के बाद भी नहीं चल रहा, तो प्रॉफिट बुकिंग ही देखने को मिल रही है, तो ओवरबॉट हैं टेक स्टॉक्स। कुछ लोग कह रहे हैं कि टेक बबल का फॉर्मेशन तो नहीं है ये, तो ये सारे संदेह हो रहे हैं। अब ओवर वैल्यूएशन हो गया है टेक्नोलॉजी शेयर का। अब 26-27 बार अगर ये ऑल टाइम हाई लगाएंगे एक साल में, तो देखिए इस तरह के सवाल तो उठेंगे ही। लेकिन सच्चाई ये है कि एक पैकेज की तैयारी हो रही है, और जैसे ही पैकेज आएगा वहां पर ये पूरा का पूरा माहौल देखिए पलट जाएगा। तो सेटअप अमेरिका के बाजारों में एक दिन की प्रॉफिट बुकिंग है, ऐसे ही आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन घरेलू बाजार का सेटअप कैसा है, और देखिए घरेलू बाजारों में कल हमने 11200 के ऊपर जाकर क्लोजिंग दे दी है, तो क्लोजिंग बेसिस पर देखिए ये बहुत ही अच्छे संकेत माने जाएंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने देखिए पार्टिसिपेट जो किया है, कल के सत्र में भी 11200 के ऊपर हम शायद टिकते नहीं अगर RIL इस तरह से नहीं चलता, तो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड RIL लगाता जा रहा है, और ये वो स्टॉक है जिससे जिसकी वजह से देखिए हम यहां पर अब पहुंच गए हैं। वीरू बताइए डेटा कैसा बन रहा है, 11500 के कॉल्स पर कितनी पोजीशन बन गई है, क्योंकि हमारा नारा तो वही है अब की बार 11500 के पार। देखिए हेमंत, एफआईएस के स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, 1740 करोड़ रुपए की बाइंग, 931 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग, नेट कैश बाजार में फिर भी अगर आप देखें करीब करीब 800 करोड़ रुपए का था, दैट्स गुड। एफआईएस ने इंडेक्स खरीदा करीब करीब 220 करोड़ रुपए का, 6400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, दैट्स ऑल्सो गुड। और अगर आप स्टॉक फ्यूचर्स को देखें उन्होंने, तो स्टॉक फ्यूचर्स को उन्होंने थोड़ा सा बेचा और वहां पे लॉन्ग्स काटे, प्रॉफिट्स को बुक किया। लेकिन एफआईएस के ओवरऑल स्टैट्स बहुत स्ट्रांग है, और पहली चीज ये आती है कि कल बाजार में स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग थी। जब आप इंडेक्स 11200 पे गया, तो कल हेमंत बाजार में करीब 1,70,00,000 पुट्स भी किए हैं, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस का बहुत बड़ा इंडिकेटर होता है। हाँ, चर्चा इस बात को लेकर है कि कुछ इंडिकेटर्स आपके बहुत ओवरबॉट हैं, लेकिन हमने दो चीजें सीखी हैं हेमंत। इंडिकेटर्स प्राइस से डिस्कवर होते हैं, और प्राइस डिस्कवर होता है लिक्विडिटी से। तो जब तक लिक्विडिटी है, और स्पेशली एफआईएस की लिक्विडिटी है, इसके अगेंस्ट मत खड़े होइएगा। कल के स्टेट्स क्या कहते हैं निफ्टी के, कल बहुत स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है 11,100 की स्ट्राइक्स पे, 11,097, 11,080 और 11,120 ये एक क्रिटिकल लेवल है जिसके ऊपर बाय ऑन डिप्स आज के सेशन में भी रहेगा हेमंत। इफ यू आर इन डाउट प्लीज स्टे आउट, लेकिन अगर आप हैं प्लेयर बाय करना चाहते हैं तो इन लेवल्स के ऊपर बाय, बेस रहेगा 11,050, 11,067, इस रेंज में आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ऊपर की तरफ क्या ट्रबल करेगा, 11,241, 11,250 ये टारगेट्स हो सकते हैं। लेकिन याद रखिए इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में पहला ऊपर का टारगेट 251 के बाद जो निकल के आता है वो है 351 और 340 का जोन। तो मैं अभी शॉर्ट के बारे में बात नहीं करूंगा हेमंत, बाय ऑन डिप्स करूंगा। अगर आप रिस्क फील कर रहे हैं तो स्टे आउट, लेकिन प्लेयर्स अभी भी 11,120 के ऊपर बाय करके चले हेमंत। ठीक बात है, तो देखिए बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं वीरू। देखिए हो सकता है कि बुल्स थोड़े से थक गए इतनी बड़ी तेजी करके, वो थोड़ा विश्राम लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप शॉर्ट कर दें बाजार को, तो शॉर्ट तो करना नहीं है, थोड़ा सा रुकिए, नीचे जब बाजार आए तो आपको खरीदना चाहिए। वीकेंड का सेशन है वीरू, और वीकेंड के सेशन में अगर मुनाफा वसूली करके अगर आप जाते हैं तो आप वीकेंड बढ़िया मना सकते हैं अपने परिवार के साथ। तो अगर कमजोरी होती है तो इसलिए होगी कि लैक ऑफ बाइंग है, वीकेंड का सेशन है, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी गिरावट भारतीय बाजारों में देखने को मिलेगी। मैं देख रहा था कल एक डेटा, 2,00,000 नए इन्वेस्टर्स देखिए जुड़ रहे हैं बाजार में, और ये बहुत बढ़िया पॉजिटिव संकेत है। बस एक ही कारण है जिसकी वजह से बुल्स थोड़ा सा अपना हाथ रोकेंगे नया पैसा लगाने के लिए, वो है पुट कॉल रेशियो जो 1.9 पर है, जो ओवरबॉट है, नियर ऑल टाइम हाईज है, तो यही एक रीजन है। और दूसरी बात ये, हम सबसे इस हफ्ते की शुरुआत में कह रहे थे
HDFC बैंक के नतीजों के बाद ICICI बैंक के नतीजों के ऊपर फोकस करिए, तेजी होगी और बहुत अच्छे नतीजे भाव में हैं। अगर आप देखिए ICICI बैंक ने बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है, ITC अपने नतीजों से पहले 200 रुपए के ऊपर देखिए चला गया है, तो अच्छे नतीजे प्राइस में है। ये वैसा नहीं है जैसा हमने हफ्ते की शुरुआत में बताया था, इसीलिए हफ्ते के अंत में थोड़ी सी मुनाफा वसूली करना सही रणनीति हो सकती है, ये मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वीकेंड सेशन है तो थोड़ा सा आप मुनाफा वसूली करेंगे तो अच्छा फायदा आपको मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट मत करिए, ये बात तो बिल्कुल पक्की है। चलिए एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं, उनसे समझ लेते हैं मार्केट्स को किस तरह से आपको वो अप्रोच कर रहे हैं। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भसीन साहब स्वागत है आपका CNBC आवाज पर, और मुझे याद है कल के दिन भी आप ये कह रहे थे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में करना सही होगा, डाउ देखिए नीचे आया, ये बताइए आज के लिए रणनीति क्या है और अगला हफ्ता कैसा रह सकता है भारतीय बाजारों के लिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग हेमंत जी, आपको भी और वीरेंद्र को भी, और मैंने आपकी पूरी टिप्पणी सुनी, आपने बहुत अच्छी तरह से सारा समझाया, तो अगर आप मेरी व्यू सुने तो हेमंत जी 4 महीने से हम आपके साथ तेजी में थे और हर डिप को खरीद रहे थे, और टच वुड वी हैव बीन करेक्ट ऑन द पार्ट, पहले 9000, 10000, 11000, अब 11200, आई डोंट रूल आउट अगले हफ्ते 200 पॉइंट और बढ़ सकती है निफ्टी, बट अगस्त मेरे हिसाब से बहुत ही वीक मंथ होएगा, इट विल बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट मंथ टू गेट थ्रू, और जो 4 महीने से करेक्शन नहीं आई वो अगस्त में आएगी, सो प्लीज बी वॉचफुल, अगर आपको हेज करना आता है तो कीजिए, नहीं तो अगले हफ्ते अपना कुछ कैश में प्रॉफिट बुकिंग कीजिए, क्योंकि अगस्त में अगर मार्केट में हमारी नीति सही रही और फॉल आया फिर आप कैश से वापस खरीद सकते हैं। सो दीज आर नॉट लेवल्स टू बी वेरी वेरी एडवेंचरस, पुरानी पोजिशन है तो संभालिए, आई एम नॉट सेइंग गेट आउट ऑफ स्टॉक्स बिकॉज एक महीना डज नॉट मेक अ, बट 4 महीने से जो एक वन वर्ड मार्केट है दैट विल सी अ ह्यूज करेक्शन इन ऑगस्ट, सो जस्ट बी केयरफुल एंड प्लीज रेस कैश। The idea is always remember to book profits and not sit on only stocks. That's the underlying. Next week we can even hit 11,400. I don't rule out that. But August, again I reiterate, will be a difficult month and you must have some cash so that you can buy lines. Okay. भसीन साहब, आपकी आज की कन्विक्शन कॉल क्या रहेगी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस सेक्टर पे फोकस करना है या फिर इन स्टॉक्स पे फोकस करना है, आपका कन्विक्शन आज के लिए क्या है जिसमें रिस्क कम नजर आता है, आपको रिवॉर्ड अपेक्षाकृत अच्छा नजर आता है और माइट बी वो एक शॉर्ट कॉल भी हो सकती है? तो वीरेंद्र, आपके साथ मैं एक हफ्ते से कह रहा था कि जुलाई में ICICI बैंक 400 रुपए जाएगा, ये मैंने हेमंत को 350 रुपए पे कहा था, 355 पे भी, 360 पे भी, और देखिए 396 हो गया। ICICI कल रिजल्ट देगा, आई थिंक उसके रिजल्ट बहुत ही अनिवार्य होंगे और 400 का नियर टर्म टारगेट है। अगर आप सोचें कि वीकनेस कहां होगी, आई वुड से कि आज टेक्नोलॉजी में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, आई थिंक इंफोसिस, विप्रो, ऑल हैव रन फार अहेड, सो एक पेयर ट्रेड दे रहा हूं, मुझे कल भी आपको मैंने कहा था टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स मंडे को हैं, आई थिंक दे विल बी आउटस्टैंडिंग, सो आई वुड से बी लॉन्ग ऑन टेक महिंद्रा एंड शॉर्ट ऑन इंफोसिस फॉर द अर्निंग्स ऑफ टेक महिंद्रा मंडे को, जो बहुत आपको प्लेजेंटली सरप्राइज करेंगे। वी मे गेट अ गुड पॉप इन टेक महिंद्रा और हम उसको बैलेंस करेंगे बाय शॉर्ट इन इंफोसिस, क्योंकि अगर मार्केट ने करेक्शन दिया देन वी आर हेज्ड टू द डाउनसाइड आल्सो। ठीक बात है, तो भसीन जी के भरोसेमंद शेयर्स इनके ऊपर नजर रखा करिए। अच्छा, 3 बजे भसीन साहब हमारे साथ हर रोज जुड़ते हैं, आपको 2 शानदार आइडियाज बताते हैं, लेकिन आज का देखिए आइडिया ये है कि टेकम को लॉन्ग करिए, और मुझे याद है भसीन साहब टेकम पर आप आज से बुलिश नहीं है, तीन हफ्ते पहले आपने कहा था टेकम, जब नतीजे किसी कंपनी के आईटी कंपनी के आए नहीं थे, कि टेकम पर नजर रखिए और विप्रो पर रखिएगा नजर, और उसके बाद एक के बाद एक आईटी कंपनी ने अपने नतीजे पेश करने शुरू किए और सबने पॉजिटिव सरप्राइज दिखाया, ADR 10-10% भागे और पैसा बना CNBC आवाज के दर्शकों का, तो फैंटेस्टिक कॉल था वो, और अभी भी आपका टेकम पर भरोसा कायम है, और इस हफ्ते भी अगर आप देखिए तो टेकम ने 5% की तेजी दिखाई है, आईटी शेयरों में 16% की रैली टेक महिंद्रा ने इस पूरे महीने दिखाई है, तो शानदार तेजी टेक महिंद्रा में देखने को मिली है, लेकिन इंफोसिस में आप कह रहे हैं प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो फैंटास्टिक है ये ट्रेड। चलिए दूसरे मेहमानों को जोड़ते हैं और उनसे समझते हैं। राजेश सतपुते जी, गुड मॉर्निंग, बताइए व्यू क्या है आपका मार्केट पर वीकेंड सेशन के लिए, और ये भी बताइए कि एक ट्रेड कौन सा लेना चाहते हैं। बिल्कुल,
गुड मॉर्निंग हेमंत, गुड मॉर्निंग वीरेन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेमंत, यहाँ पे व्यू तो डेफिनेटली पॉजिटिव है और जैसे आपने कहा कि बाजार इतना चला है तो थोड़ा सा रुकेगा, थोड़ा सांस लेगा, तो यस ये सब एक्सेप्टेबल है एंड वेलकम है। जो फोकस है वो ऑब्वियसली आईटी, जैसे टेक महिंद्रा की बात हुई वो एक है और फार्मा सेक्टर पर है, और फार्मा में मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा डिवीज लैब। कल हमने डिवीज में लोअर लेवल से अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखी, स्ट्रेंथ जबरदस्त थी। सामने अगर कॉल राइटर देखे तो 2400 पे कॉल राइटर खड़े, जैसे 2400 निकल जाएगा ये सीधा 100 रुपए भागेगा। सो आई वुड लाइक टू बेट ऑन डिवीज लैब एट दिस लेवल। मेरा स्टॉप लॉस होगा हेमंत 2375 का, और जो ऊपर में मुझे टारगेट दिखता है वो है 2480 से लेके 2500 तक का। तो 100 रुपए का एक अच्छा मैं पुलबैक यहाँ पे डिवीज में देखता हूँ। ओके, राजेश की कन्विक्शन कॉल है आज की, डिवीज लाइफ फ्यूचर्स आपको बाय करना है। याद रखिए टारगेट है 2480 का। अच्छा वसीन साहब की जो कॉल थी वो थी टेक महिंद्रा लॉन्ग है, और कल का बीटीएसटी ट्रेड भी राजेश जी का, मिस्टर सतपुते का, वो टेक महिंद्रा लॉन्ग था, याद रखिएगा। अब हमारे साथ इस पैनल में राजेश पालविया भी हैं। राजेश गुड मॉर्निंग। राजेश आपकी आज की टॉप कन्विक्शन कॉल क्या होगी बताइए। गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग हेमंत जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज की टॉप कन्विक्शन पिक जो रहेगी वो हेल्थ केयर सेगमेंट से रहेगी और अपोलो हॉस्पिटल, ये स्टॉक हम आज के सेशन में बाय करेंगे। ये स्टॉक में अगर देखें तो कल करीब 13% के आसपास ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखने को मिला। स्टॉक ने रेंज का ब्रेकआउट दिया, अगर वीकली और डेली सेटअप देखें तो इसने अप्रैल के जो स्विंग हाई थे उसको क्रॉस करके कल के सेशन में क्लोजिंग दिया, और जिस तरीके से वीकली चार्ट पे फॉर्मेशन हुआ है हमें लग रहा है कि ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ से बनना चाहिए। 1565-1570 के टारगेट हम आज के सेशन में इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो 1515 के स्टॉप लॉस से अपोलो हॉस्पिटल बाय करने की सलाह रहेगी आज। ऑलराइट, तो अपोलो हॉस्पिटल ये वो स्टॉक है जो आपको सबसे बढ़िया नजर आ रहा है। एक बार रैप अप कर देता हूँ, फार्मा सेक्टर के ऊपर ही फोकस है और डिफेंसिव सेक्टर है। देखिए ये एक तरह से डिवीज लैब, हॉस्पिटल्स को भी आप ब्रॉडली कैटेगराइज वहीं पर कर सकते हैं, और टेकम ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर नजर है लॉन्ग साइड पर। भसीन साहब की नतीजों से पहले का व्यू है, लेकिन नतीजों से पहले भसीन साहब क्या प्रॉफिट बुक आईसीआईसीआई बैंक में करना चाहिए, ये मेरा सवाल है, क्योंकि आपने बहुत क्लियरली कहा था आईसीआईसीआई बैंक जो है वो आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, और आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक इस हफ्ते 11% की रैली दिखा चुका है। एक बार दर्शकों को सुनवाते हैं क्या बात हुई थी आईसीआईसीआई बैंक में इस हफ्ते की शुरुआत से। आईसीआईसीआई बैंक एक्सिस बैंक के नंबर्स पर रखिएगा नजर, तो ये बीएफएसआई हफ्ता है और इसमें ताकत है। आईसीआईसीआई बैंक में मुझे लगता है कि 380 तक का मूव ये वीक में हमें देखने मिल सकता है, तो आप 350 के स्टॉप लॉस से आईसीआईसीआई बैंक बाय कीजिए। अभी बताइए आईसीआईसीआई बैंक के क्योंकि नतीजे कल है, क्या करना चाहिए? तो हमने अगर मंडे को लिया हुआ है तो डेफिनेटली थोड़ा प्रॉफिट बुक जरूर करे, स्टॉप लॉस भी ट्रेल करे। कई बार बात हुई है, भसीन साहब ने भी मुझे याद है शुरुआत में हफ्ते के शुरुआत में मंडे को वो हमारे साथ थे, उन्होंने भी देखिए आईसीआईसीआई बैंक पर तेजी का फैंटास्टिक कॉल दिया था। भसीन साहब क्या करना चाहिए, इस मुनाफे को बांधना चाहिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड करना चाहिए, सोमवार तक का नजरिया रखना चाहिए क्योंकि वीकेंड पर ये नतीजे आएंगे शनिवार को? हाँ तो बड़ी अच्छी बात है। देखिए हेमंत जी, आई थिंक रिजल्ट्स जो आपको टारगेट दिया था 400, मैंने आपको कहा था जुलाई में जरूर हिट करेगा आईसीआईसीआई बैंक, कल 395-396 बिक गया, 400 रुपए इज जस्ट राउंड द कॉर्नर। रिजल्ट्स आई थिंक विल बी वन ऑफ द बेस्ट इन द सेक्टर, बिकॉज उनके जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो बहुत स्ट्रांगली रिबाउंड करेगी, प्लस कासा रेशियो में ग्रोथ आएगी। सो इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, अगर आप ओन करना चाहें आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन आईसीआईसीआई विद अ लॉन्गर टर्म व्यू, बट शॉर्ट टर्म में दे कैन बी प्रॉफिट बुकिंग। तो आई वुड सजेस्ट के 50% आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिए एंड वेट फॉर डिक्लाइन, और 50% बने रहिए। इट इज वेरी इजी कि आप सारा प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर आप वापसी में ले नहीं सकते, और अगर ये बढ़ जाता है तो फिर आपके पास एक रिग्रेट की फीलिंग है। तो 50-50 चलिए, बुक 50% प्रॉफिट, 50% होल्ड। बुक 50% प्रॉफिट और बुक और 50% को आप होल्ड कर सकते हैं, याद रखिए नतीजे हैं इसके, तो उस हिसाब से अपने आप को आप स्ट्रेटेजाइज कीजिए। अब चलते हैं नतीजों का आकलन करने के लिए आशीष के पास, और
हमारी जो खास मुहिम है और खास अगर आप देखें जो सेगमेंट है गुड बैड अगली, जिसमें हम नतीजों को तीन पार्ट्स में क्लासिफाई करके समझते हैं। अच्छे नतीजे सबसे पहले आशीष, वो कौन से रहे? गुड बायोकॉन के नंबर्स, गुड मॉर्निंग, अच्छे नंबर्स हैं और Q1 के साल दर साल जो स्ट्रीट एंटिसिपेट कर रहा था उससे कहीं बेहतर परफॉर्मेंस, तो एक्सपेक्टेशंस थे कि काफी खराब परफॉर्मेंस होगा। आई एक्सपेक्टेड थी केवल 5% का इंप्रूवमेंट दिखाएगी, दरअसल 15% का आय में इजाफा देखने को मिला है और ये जो सरप्राइज आया है, उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन हुआ है, ये बायोकॉन बायोलॉजिक्स का जो कारोबार है उसके चलते हुआ। वहां पे एक्सपेक्टेशंस थी कि बायोलॉजिक्स में 12% रेवेन्यू डिक्लाइन होगा, दरअसल 19% रेवेन्यू में जंप देखने को मिल रहा है, इसीलिए सारे स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस गड़बड़ा गए। मार्जिन्स 30% से घटकर 24.7% पर ध्यान रखें एक्सपेक्टेशंस थी 21% की, तो कॉन्ट्रैक्शन हुआ, उम्मीद से कहीं कम कॉन्ट्रैक्शन हुआ और मुनाफा इसीलिए केवल 26% घटा, 168 करोड़ रुपीस पे आया, 153 करोड़ की उम्मीद थी। तो नंबर्स कमजोर एक्सपेक्टेड थे और जितने कमजोर एक्सपेक्टेड थे उससे कहीं कम कमजोरी है, इसीलिए गुड में कैटेगराइज कर रहा हूं, स्ट्रीट काफी दिक्कतें एक्सपेक्ट कर रहा था। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एक सरकारी बैंक जिसे मैं गुड में कैटेगराइज कर रहा हूं क्योंकि किसी भी पैरामीटर पे देखें बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर आपको अच्छे लगेंगे। 24% कस्टमर्स ने मॉरेटोरियम के लिए ऑप्ट करा है फेज टू में, ये सबसे इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर आजकल जो सब क्लोजली वॉच आउट करते हैं। स्लिपेजेस 89% Q-on-Q डिक्लाइन हुई है, ग्रॉस एनपीए में सुधार है 188 basis points का Q-on-Q, अब ग्रॉस एनपीए 11% के नीचे 10.93% पर। एनआईएम्स में Q-on-Q सुधार देखने को मिल रहा है 2.41% के सामने 2.43% के आसपास और हेडलाइन नंबर्स NII 9% साल दर साल, मुनाफा 25% साल दर साल इंप्रूव करता हुआ। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक छोटा सरकारी बैंक, नंबर्स अच्छे और कुछ दिन पहले लक्ष्मण इसी हफ्ते रिपोर्ट कर रहे थे सरकारी बैंक्स बेचने की तैयारी, कंसोलिडेशन एक्सरसाइज हो रही है, तो एकदम एप्ट फाइनेंशियल्स हैं इसके बिकने के लिए तैयार खड़ा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो देखिए कुछ दिन पहले ये चर्चा हो रही थी और इस स्टॉक ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था, आज नीरज की टीम में भी ये स्टॉक पहुंचा हुआ था, उनकी स्टॉक 20 की टीम दिखाई है, नीरज भी कह रहे थे कि आज यहां पर एक अच्छी रैली देखने को मिलने वाली है। तो बायोकॉन पर पहले बात कर लेते हैं, बायोकॉन आप कह रहे हैं बहुत ही बढ़िया नतीजे नजर आए हैं, पूछते हैं हमारे भसीन साहब इसके ऊपर कितने बुलिश हैं। भसीन साहब बायोकॉन पर राय क्या है, क्या करना चाहिए बताइए। नहीं हेमंत जी, बायोकॉन हैज बीन एन आउट परफॉर्मर और उसका जो बिजनेस फॉर्मुलेशन है दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। आपको पता है इंसुलिन का इट्स नाउ वन ऑफ द मार्केट लीडर्स और उसके जो मार्जिन और आपके जो वॉल्यूम्स हैं बोथ इन अ फॉलिंग मार्केट हैव शोन स्ट्रेंथ। और आपको पता है फार्मा हैज बीन वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स इन द लास्ट 4 months। इस हफ्ते थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है बिकॉज हाई बीटा सेक्टर में जाएंगे, बट बायोकॉन इज अ मस्ट इन अ पोर्टफोलियो, इट इज एन आउट परफॉर्मर एंड कंटिन्यू टू बी आउट परफॉर्मर। राजेश, बायोकॉन को कैसे अप्रोच करेंगे आप टेक्निकली, और बहुत साउंड स्टॉक है और पिछले कुछ दिनों में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ भी रही है इन नंबर्स से पहले 430 का जोन, ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी, कैसे अप्रोच करेंगे आप, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस क्या होंगे और ऊपरी लेवल पे रेजिस्टेंस क्या होगा? 425 का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और पिछले कई लगभग 8 ट्रेडिंग सेशन से 425 को ये बखूबी रिस्पेक्ट दे रहा है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 425 के ऊपर क्लियर कट बाय बनेगा। 415 का एक स्टॉप लॉस है और ऊपर में मुझे लगता है 450-460 तक की एक शॉर्ट कवरिंग रैली बाकी है। वैसे अगर आप कॉल की बात करें तो वीरेन आपने कल एक परसों मुझे लगता है हमने बायोकॉन का 450 का कॉल डिस्कस किया था, इट वॉज समवेयर लाइक 10 rupees। आई थिंक दैट कॉल कैन बी बॉट एट अ लेवल ऑफ 10, 9.70 rupees कल का क्लोज है, एक 7 rupees का स्टॉप लॉस रखेंगे, ऊपर में 15-16 तक का टारगेट यहाँ पे आराम से मिलना चाहिए। ऑलराइट, तो बायोकॉन इसके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। बैंक ऑफ महाराष्ट्र और ये छोटे वाले सरकारी बैंकों पर एक अपनी टिप्पणी करिए भसीन साहब, जो बैंक मर्ज नहीं किए गए उनका सरकार जो है उनका प्राइवेटाइजेशन कर सकती है,
और आप देखिए मोदी जी का परसों आज शाम का स्टेटमेंट ग्लोबल मंच पर जो वो कह रहे थे कि हम इंश्योरेंस और बैंकिंग को खोल रहे हैं, आइए विदेशियों को भी देखिए उन्होंने न्योता दिया था, और अब ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के नंबर्स अच्छे आए हैं। इस तरह के छोटे वाले सरकारी बैंकों के ऊपर क्या नजर होनी चाहिए जो 10-15-20-50 रुपए के नीचे कारोबार कर रहे हैं, या SBI जैसे दिग्गजों पर नजर होनी चाहिए अगर किसी को PSUs में फोकस करना है? एक ये सवाल सबके जहन में रहता है, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र खास तौर पर स्पेसिफिकली नंबर्स अच्छे आने के बाद आज कैसा चलेगा? तो देखिए हेमंत जी, कई बैंकों में टर्न अराउंड है और ये कोविड तो उनके लिए बेनिफिशियल रहा है बिकॉज कासा रेशियो बढ़ा है एंड पीपल हैव ऑप्टेड टू यू नो पुट मनी इनटू सेविंग्स अकाउंट एंड सो ऑन, और इस कारण से मोस्ट ऑफ द बैड लोन और जो स्लिपेजेस थी वो एक यू नो दे हैव इंप्रूव्ड फ्रॉम देयर। हाउएवर दे आर नॉट द वंस जहां आप लॉन्ग टर्म बन सकते हैं, ये ट्रेडिंग पिक जरूर है। और जैसे आपने कहा, एक चीज क्लियर है हेमंत जी के सरकार ने तय कर लिया है कि लॉक स्टॉक एंड बैरल दे विल हैव ओनली 4 or 5 लार्ज बैंक्स। आपने मर्जर देख लिए, अब स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट है। आपको पता है कि IDBI को स्ट्रेटेजिकली होल हॉग सेल ऑफ के लिए भी तैयारी है, जबकि LIC ने कैपिटल इन्फ्यूजन की, द बैंक हैज शोन अ टर्न अराउंड। तो गवर्नमेंट की नीति तैयार है सर, वो कह रहे हैं आपको पहले BPCL, कॉनकॉर और शिपिंग कॉर्पोरेशन में आपके पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट एंड गेटिंग आउट ऑफ बैंकिंग इन अ लॉक स्टॉक एंड बैरल उनका एक तय कर लिया है। सो एक वैल्यू एक्रीशन जरूर होगी, बट डोंट फॉल इनटू दैट ट्रैप। आई वुड स्टिल सजेस्ट स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक, दीज 3 वेरी वेरी क्रेडिबल नेम्स इफ यू वॉन्ट टू बी इन PSUs, या जैसे आपको पहले कहा है किसी म्यूचुअल फंड लीजिए जिसमें बैंक निफ्टी की कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और बैंक निफ्टी इटसेल्फ हेमंत जी 6 PSUs हैं, 6 private बैंक्स हैं, तो द निफ्टी बैंक निफ्टी इटसेल्फ गिव्स यू अ वेरी गुड mix of all those 10-12 banks, which is what you should be having in your portfolio. तो ये था सरकारी बैंकों पर भसीन साहब का टेक। चलिए और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को नंबर्स के बाद ओपनिंग के बाद देखेंगे, अच्छे नंबर्स हैं। आशीष के पास चलते हैं कुछ और नंबर्स को समझने के लिए, वो जो शायद बैड और अगली की ट्रेजेक्टरी में रहे हैं। आशीष, वो कौन कौन से नंबर है आज के लिए? बिल्कुल ठीक, बैड कहिए, कई जगह शायद वो मिक्स्ड रुझान है, तो बैड कहना भी कैटेगराइज करना भी गलत होगा। मिसाल के तौर पे जेंसार टेक्नोलॉजीज Q1 का परफॉर्मेंस Q-on-Q मिला जुला आपको नजर आएगा। अब जब मैं मिला जुला कह रहा हूं तो आय के फ्रंट पे तो डिसअपॉइंटमेंट है। रेवेन्यूज, डॉलर रेवेन्यूज 7% गिरे, कॉन्स्टेंट करेंसी में 5% का डिक्लाइन देखने को मिला। रेवेन्यू ड्रॉप इसीलिए हुआ क्योंकि वॉल्यूम्स Q1 में छे, वो घटते हुए नजर आया, उसका इंपैक्ट था, पर ऑपरेशनली परफॉर्मेंस बेहतर है। एबिटा में 50 बेसिस पॉइंट्स का सुधार, 14.4% पे एबिटा मार्जिन्स, और मुनाफा इसीलिए 5.5% का इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, तो इसे मैं मिक्स कैटेगरी में डालना चाहता हूं। एम्फेसिस वीक है लेकिन वीक एक्सपेक्टेड था, तो इनलाइन हो गया उस लिहाज से। रेवेन्यूज में 2.5% का डिक्लाइन, कांस्टेंट करेंसी 4.5% गिरी, मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स का डिक्लाइन, और मुनाफे में 22% की Q-on-Q कमजोरी। रेपको होम फाइनेंस मिक्स से वीक साइड पर रखना बेहतर होगा इन नंबर्स को। 32% बुक अभी भी अंडर मोरेटोरियम है। ग्रॉस एनपीए 4.2% से बढ़कर 4.3% पर Q-on-Q, और ये जो 4.3% का आंकड़ा है ये हाईएस्ट एवर है इस कंपनी के लिहाज से ग्रॉस एनपीए का। डिसबर्समेंट जो है 11 क्वार्टर्स के लोस पर है, साल दर साल 32% का डिक्लाइन। लोन बुक जो है वो ऑल टाइम लोस के आसपास ग्रोथ वहां पे नजर आएगी आपको। हाँ, हेडलाइन नंबर्स जो थे उन्होंने एक्सपेक्टेशंस को बीट करा, तो NII में साल दर साल 20% का उछाल, प्रॉफिट्स में 7% का डिक्लाइन। तो हेडलाइन नंबर्स देखेंगे तो अच्छा लगेगा, इंटरनल्स थोड़े वीक हैं, इसीलिए मैंने कहा मिक्स्ड या वीकेस्ट साइड पर रखें इस परफॉर्मेंस को। AU स्मॉल फाइनेंस, ये भी मिला जुला परफॉर्मेंस है। मोरेटोरियम के अंदर बुक जो थी फेज वन में 16-17% पे थी, वो रिड्यूस होकर फेज टू में 11% पे आ गई है। ग्रॉस एनपीए जस के तस है, 1.68% के सामने 1.69% Q-on-Q। डिपॉजिट्स में 35% का उछाल है, कासा सस्टेन करा इस कंपनी ने। हेडलाइन नंबर्स देखिए, NII में 31% साल दर साल का जंप, मुनाफा 5.5% का उछाल। अब NII के सामने मुनाफे में थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस क्यों? क्योंकि NIMs तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। इनफैक्ट Q-on-Q तो NIMs 50 बेसिस पॉइंट का डिक्लाइन दिखा रहे हैं, इसलिए मैंने मिक्स कह दिया इस आंकड़े को। ABB क्लियर कट खराब, बैड परफॉर्मेंस। आय में 43% का डिक्लाइन Q1 में साल दर साल।
बहुत कमजोर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, एबिटा 88% का साल दर साल डिक्लाइन, मार्जिन 480 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट हो गए, तो 7.2% के मार्जिन घटकर 2.4% पे आ चुके हैं। कुल ऑर्डर इनटेक जो था 40% का डिक्लाइन है, 1200 करोड़ के फ्रेश ऑर्डर्स आए हैं। मैनेजमेंट कह रहा है ओवरऑल परफॉर्मेंस कोविड के चलते इंपैक्ट हुआ है और अनसर्टेनिटीज जो है वो परसिस्ट कर रही हैं। स्टरलाइट ये तो मेरे ख्याल से कल बाजार के दौरान आ गए नंबर्स। डिश टीवी, अब ये नंबर्स हैं तो ऑपरेशनली बेहतर, पर जिस तरह का घाटे का आंकड़ा है इसे बेहतर कहना आंकड़े को तो ओवरऑल रिजल्ट्स को गलत होगा। आय में 38% का डिक्लाइन, एबिटा 31% बढ़ता हुआ, मार्जिन्स 31 से बढ़कर 62% पे पहुंच गए, सब कुछ बढ़िया था यहां तक, पर जो लॉसेस हैं 1361 करोड़ पिछले साल इसी तिमाही में वो बढ़ गई, Q4 के नंबर्स हैं इसके, बढ़कर 1456 करोड़ के लॉसेस कर दिए क्योंकि उसमें एक्सेप्शनल लॉस है 1915 करोड़ रुपए का। तो घाटे का इतना बड़ा आंकड़ा देखकर डिसअपॉइंटमेंट ही होता है। तो एबीबी इस पर एक राय ली जाए, एलएनटी ने अपने नंबर्स कमजोर साइड पर पेश किए थे, वो बात अलग है, एलएनटी में इतने शॉर्ट्स पहले से ही बने हुए थे कि पहले देखिए एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली और कल एनालिसिस हमारा यही था कि अब एलएनटी के खराब नंबर्स के बाद, कमजोर नंबर्स के बाद शॉर्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन इस कैपिटल गुड स्पेस पर आपकी क्या राय है भसीन साहब? अब एबीबी ने भी डिसअपॉइंट किया है, क्या ये लॉकडाउन का असर आपको देखने को मिल रहा है और आगे सुधर सकते हैं, या आपको लगता है कि पहले ये भाव और नीचे आएंगे तो इंतजार किया जाए? इस कैपिटल गुड स्पेस को आप कैसे अप्रोच करते हैं? हाँ, तो आपने सही फरमाया। देखिए हेमंत जी, आपको पता है सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रही है उनके पास लेबर की, वो माइग्रेंट लेबर और रिटर्न ऑफ लेबर और एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम, साथ में ये कैपिटल इंटेंसिव होते हैं, इनपे फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है इंटरेस्ट की, सो यू नो दैट अगर लॉकडाउन होता है तो रिजम्पशन में टाइम लगता है। एबीबी इज अ वेरी लार्ज प्लेयर, आई हैव अ वेरी वेरी गुड व्यू ऑफ दैट स्टॉक बिकॉज इट्स अ पेडिग्री स्टॉक, उसका डेट कम है, बट उसके जो है सीजनल, एक क्वार्टर पे आप रिजल्ट्स कभी एनालाइज नहीं कर सकते, वन क्वार्टर कैन बी बैड, द नेक्स्ट कैन बी इक्वली गुड डिपेंडिंग ऑन लार्ज बल्क कॉन्ट्रैक्ट्स। इसमें मैं दो नाम लूंगा, एलएनटी और सीमेंस, दोनों ने आउट परफॉर्म करना है और आई थिंक दैट एलएनटी ने गाइडेंस भी दे दी है कि दिस क्वार्टर मे बी द वर्स्ट, दे आर सीइंग अ लॉट ऑफ फ्लोस फ्रॉम गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। साथ में हेमंत जी, आप ये लेके चलिए कि नाउ कोविड इज अ रियलिटी विच यू आर लिविंग विद, उसकी एंटीबॉडीज, और मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बट आप अब जैसे जैसे लाइफ वापस जाएगी तो कैपेक्स विल स्टार्ट, एक्सपेंशन विल स्टार्ट, मार्जिन एंड पीपल विल एक्रिएट फॉर मोर वॉल्यूम यूटिलाइजेशन, सो वेदर इट्स हाइड्रोकार्बन, वेदर इट्स इलेक्ट्रिकल, वेदर इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सब में एलएनटी और सीमेंस आर पार्ट ऑफ योर एवरीडे लाइफ। तो मैं इन दोनों शेयरों पे आपको बोलूंगा अगले 12 हफ्ते के लिए या 16 हफ्ते के लिए सिप कीजिए, बिकॉज बाय द एंड ऑफ द ईयर एलएनटी एंड सीमेंस विल बी बैक टू रिगेनिंग मार्केट शेयर, ऑर्डर फ्लोज विल बी स्ट्रॉन्ग एंड लेबर एंड अदर इश्यूज विल बी सॉर्टेड आउट। आपको ऐसे पेडिग्री स्टॉक्स इन भाव पे मिल रहे हैं, यू मस्ट एक्यूमुलेट फॉर द नेक्स्ट 16 वीक्स। ओके, इस पे टेक चेक लेते हैं। आई थिंक अभी सीमेंस पे जो भसीन साहब ने राय दी, उसके बाद अगर आप देखें एलएनटी पे जो कल हमने कॉल ली थी और एबीबी के खराब नंबर्स, मिस्टर पालवे आपकी अप्रोच क्या होगी? आई मीन इस कैपिटल गुड स्पेस को देखिए आप चार्टिकली, डायरेक्टर साहब पूरे चार्ट्स लेके आइएगा सारे के सारे, एबीबी का, सीमेंस का, कमिंस इंडिया का, एलएनटी का, सारे के सारे चार्ट्स एक जैसे हैं, बिल्कुल रेप्लिका लगता है। अगर आपको पिक करना हो, आपने कल एलएनटी के नंबर्स देखे, आज आपने एबीबी के नंबर्स देखे, सीमेंस का प्राइस बिहेवियर आप देख रहे हैं, अगर दो स्टॉक्स आपको पिक करने हो मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से, तो क्या पिक करेंगे आप लॉन्ग साइड पे? आपको देखिए बिल्कुल वीरेन जी, चार्ट स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है और अगर हम देखें तो एक नैरो रेंज में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है पूरी स्पेस में, अगर आप एबीबी एलएनटी सभी के चार्ट देख लें तो। अगर मुझे रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल देखना है मुझे, तो मुझे जो स्टॉक यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है वो एक सीमेंस इंडिया, क्योंकि स्टॉक में एक करेक्टिव एक्शन के बाद स्टॉक ने एक बेस बनाया है करीब 385 के आसपास, तो मुझे लगता है कि ये 380 के स्टॉप लॉस से ये थोड़ा सा पोजिशन बेसिस पे इसको बाय करेंगे तो एक आपको यहाँ से 420-430 के जोन में आता हुआ दिखना चाहिए। और दूसरा थोड़ा सा अगर मैं देखूँ तो आउट परफॉर्मेंस जो देखें अगर इन चार्ट से कंपेयर करें तो सीमेंस का दूसरा स्टॉक है जो कि चार्ट पे अगर हम देखें तो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है इस स्पेस में, तो सीमेंस भी दूसरा एक स्टॉक होगा जो कि यहाँ से बाय किया जा सकता है करंट लेवल से। और जिस तरीके का सेटअप है सीमेंस का, मुझे लगता है ये 100 सर ऑडियो में ना कुछ दिक्कत आ रही है बड़ी वाली, तो
तो इस टेक्नोलॉजी को हम दुरुस्त करते हैं उसके बाद आपके पास आते हैं। यही सवाल आपसे एबीबी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स बताइए राजेश सतपुते जी, आज नंबर्स ढीले हैं और आज कैसे रिएक्ट कर सकता है एबीबी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स, सतपुते जी आप बताइए, तब तक पालवी साहब को ऑडियो दुरुस्त करेंगे। हेमंत अगर आप ट्रेंड लाइन एनालिसिस करें तो मुझे लगता है यहाँ पे एक तो ट्रेंड वीकनेस है, ट्रेंड का ब्रेकडाउन पिछले 10 ट्रेडिंग सेशन पहले ही आया है। अगर सपोर्ट की इमीडिएट बात करें तो 900 से लेके 890 इसका स्विंग लो है, तो आज के लिए 890 और 900 ये उसका सपोर्ट का बेस होगा। जैसे ये टूटेगा देन देयर विल बी अ क्रैक, तो वो जो क्रैक कहां तक आएगा एंड प्रोबेबली इन दैट केस ये 850 तक भी फिसल सकता है, प्रोबेबली 840। तो मेरे हिसाब से 890-900 उसके बाद 850-840 ऊपर में हेमंत मुझे लगता है 950 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कि जिसे इसे पार करना बेहद मुश्किल होगा। बात है बाप, तो नजर रहेगी एक बार मार्केट खुलने के बाद इसके ऊपर दोबारा से राय लेंगे, देखते हैं ये कितना गैप डाउन खुलता है उसके बाद एक फ्रेश व्यू लिया जाएगा। आशीष ये बताइए और कौन कौन सी खबरें हैं जिसके ऊपर आज नजर होनी चाहिए, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की भी बात करेंगे जिस तरह से चर्चा चल रही है। देखिए बाजार में ये स्टॉक क्या जबरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है, लेकिन बाकी खबरों वाले स्टॉक्स बताइए आप। बीपीसीएल रडार पर रखिएगा, कल सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन में वो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को रिविजिट कर रहे हैं, वो लोग तैयारी हो रही है, वैसे ही बीपीसीएल को लेकर अपडेट सामने आ रहे हैं। इन्होंने 45 साल से ऊपर वाले जो अपने कर्मचारियां हैं उनके लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम की घोषणा कर दी है, मतलब कि ऑलमोस्ट 60% एम्प्लॉइज बीपीसीएल के एलिजिबल होंगे वीआरएस स्कीम के लिए। ये ऑब्वियसली वो जो डिसइन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट करने की तैयारी है उसके लिए लीनर ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं, तो वो प्रक्रिया हर तरफ से तूल पकड़ रही है। पेट्रोनेट एलएनजी, यहां पे खबरें हैं कि ये जो 10 साल के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट थे 1 मिलियन टन्स ऑफ एलएनजी इंपोर्ट करने के, वो एनुअल कॉन्ट्रैक्ट जो ये कंपनी करती थी वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट करंट परिस्थिति में अट्रैक्टिव नहीं है, इसीलिए वो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट शायद कैंसिल करने की तैयारी है, ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है। रिजल्ट हेवी डे आज भी है, तो आईटीसी, एशियन पेंट्स, जेएसडब्ल्यू स्टील, निफ्टी की ये तीन कंपनीज के Q1 नंबर्स आने हैं, Q4 नंबर्स जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बता देता हूं आपको, अंबुजा, कोरोमंडल इंटरनेशनल, चेन्नई पेट्रो, जीएचसीएल, इन सब कंपनीज के भी आज नंबर्स शेड्यूल्ड है। सन फार्मा को रडार पर रखिएगा, आपको याद होगा यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का एंटी ट्रस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, सन फार्मा के आम टेरो फार्मा ने वहां पे ग्लोबल रेजोल्यूशन अचीव कर लिया है, वो जेनरिक प्राइस फिक्सिंग वाला जो मामला था, तो टायरो जो है $205 मिलियन अपफ्रंट पे करेगा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को केस खारिज करने के लिए। सेकेंडली टायरो जो है $213 मिलियन जितने भी फेडरल हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अगेंस्ट में क्लेम्स हैं उनको सेटल करने के लिए पे करेगा, तो फाइनली पेमेंट तगड़ा लेकिन ओवरहैंग की ओवरहैंग हटता हुआ नजर आएगा टैरो के सामने से। इंडिया मार्ट, ये रिजल्ट्स के बाद से अच्छा बाउंस दिखा रहा है, उस बाउंस के बीच एमएडीएस ने 3.5 लाख शेयर्स जो है बेच दिए, उसमें बेचे और गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल ने अच्छा चंक खरीदा है वहां पे, वो डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। जेट एयरवेज, हालांकि कल सुबह हमने मेंशन करा था ये स्टॉक्स इन न्यूज के तौर पे कि रिवाइवल पॉसिबल है, अब कंपनी की तरफ से स्टेटमेंट भी आ गया, कल सूत्रों के हवाले से खबर दी थी हमने, उनका कहना है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को 2 एप्लीकेशंस मिली है रेजोल्यूशन प्लान्स को लेकर, और ये दोनों एप्लीकेशन जो है अब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स के सामने रखी जाएंगी। पीएनसी इंफ्राटेक, 2 रोड कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं एनएचएआई से, 1547 करोड़ का ये कॉन्ट्रैक्ट साइज होगा कुल मिलाकर। कैनफिनोम्स, कल फंड रेजिंग पर बोर्ड मीट थी, आउटकम आ गया है, 1000 करोड़ रुपए इक्विटी के जरिए, 4000 करोड़ रुपए डेट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ये कंपनी रेज करेगी। डिशमैन कार्बोजेन, बायबैक खत्म होने जा रहा है, 150 रुपए की प्राइस पर वो बायबैक चल रहा है। विप्रो, इसका नए सीईओ साहब आए और उनके अंदर अब पहला एक्विजिशन हो रहा है, 68 मिलियन यूरोस का एक्विजिशन हो रहा है 4C नाम की कंपनी। ये 4C नाम की कंपनी दरअसल यूके, यूरोप, मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफीज में एक लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेल्स फोर्स की पार्टनर है जिसको विप्रो एक्वायर कर रहा है। प्रभात डेयरी, सेबी फॉरेंसिक ऑडिट कंडक्ट कर रही है। ल्यूपिन, 2 USFDA से इसकी टाइप 2 डायबिटीज ड्रग जो है उसकी दवाओं की मंजूरी मिली है। रियल एस्टेट कंपनीज, हालांकि ज्यादा वो स्ट्रेस्ड रियल एस्टेट के लिए, लेकिन
केंद्र सरकार कुछ कर रही है या अच्छी खबर आती हुई। एफएम ने, वित्त मंत्री साहिबा ने कल रिव्यू मीट रखी थी स्पेशल विंडो स्ट्रेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए, और वहां पे 8,770 करोड़ के फंड को अप्रूवल दिया गया 81 प्रोजेक्ट्स के लिए, ताकि 60,000 अटके हुए घर पूरे किए जा सके। तो रियल एस्टेट एज ए सेंटिमेंट पॉजिटिव, लेकिन जिन बैंक्स वगैरह का एक्सपोजर था उनके लिए तो खासतौर पर अच्छी बात। रोजारी बायोटेक कल सेकेंडरी मार्केट में गजब का डेब्यू हुआ था। गोल्डमैन सैक्स ने कल 4,80,000 शेयर्स खुले बाजार से खरीदे। गोल्ड ये रैली जो है इंटेंसिफाई कर रही है, अब तो गोल्ड अपने रिकॉर्ड हाईज ग्लोबल मार्केट्स पे भी उसके पार जाता हुआ करीब आता हुआ आ रहा है, $1,900 प्रति औंस के आसपास तक ये इंच कर रहा है। मणापुरा, मुथूट, टाइटन, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो आज फिर से रडार पर रहेंगे। वायदा बैंक की लिस्ट आप लोगों की स्क्रीन पर आ जाएगी, लिस्ट लंबी होती चली जा रही तो नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुल मिलाकर 11 स्टॉक्स हैं जो इस समय कर्व में है। बहुत लंबी लिस्ट आपने बता दी, और इतने काम के शेयर आपने बताए हैं इसमें। बायो हम लोग सन फार्मा पर विस्तार से बात करेंगे, जी एंटरटेनमेंट पर तो पक्का बात करेंगे, बीपीसीएल इससे शुरुआत करते हैं। अच्छा, रोसारी पर भी बात करनी है आपने। कितनी लिस्ट, कितनी लंबी लिस्ट है आशीष, ये तो वीकेंड पर इतनी सारे खबरें आ गई हैं। बीपीसीएल इसलिए क्योंकि देखिए कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे भसीन साहब की, यहाँ पर डिपार्टमेंट जो डाइवेस्टमेंट विभाग है उसने एक इंपॉर्टेंट बैठक करी है, और देखिए अब ये फाइनली बातें आ रही हैं कि वीआरएस देने वाले हैं। कल ये चर्चा चल रही थी कि देखिए सरकार कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में सिंगल लेयरिंग कर रही है, और मुझे हफ्ते का पहला कारोबार दिन याद है जब आप कह रहे थे कि हफ्ता पीएसयूज के नाम होगा। ये बताइए बीपीसीएल पर आपका व्यू, कॉनकॉर पर आपका व्यू इस भाव पर। सर, गवर्नमेंट इज डूइंग व्हाट इट कैन, और ये इनकी इंटेंट करेक्ट है कि भाई दे वांट टू गेट आउट ऑफ दैट स्ट्रेटेजिकली जो उन्होंने अनाउंस किया है। अब एज अ डिस्क्लोजर, मेरे पास तो बीपीसीएल 350 से है, तो मैं तो उसको आई एम, वी आर राइडिंग द स्टॉर्म, वी आर ऑल्सो वेरी बुलिश ऑन एचपी एंड आईओसी। आई थिंक सम ऑफ पार्ट्स जो वैल्यूएशन बीपी को मिलेगी उससे आप डिटरमिन कर सकते हो क्या वैल्यू है जो आज भी डोमेंट पड़ी है बाकी ओएमसीज में। सो ओएमसीज आर इन अ वेरी स्वीट स्पॉट टेक्निकली। सेकेंडली आई थिंक जो आपने अभी टिप्पणी की, द रेस्ट ऑफ द पीएसयूज आर गेटिंग रीरेटेड, क्योंकि गवर्नमेंट ने माइंड बना लिया, डीपम इज गोइंग वेरी वेरी होल हॉग के दे आर, यू नो जो नारा है वो ये है वी हैव नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, जिस बिजनेस में सरकार है उसी में रहे उनका क्या मतलब है। और स्ट्रेटेजिकली डिसइन्वेस्टमेंट गिव्स क्रेडिबिलिटी टू योर रूपी, टू योर बॉन्ड एंड टू द बैंक्स विच आर प्रॉक्सी टू दैट। So I think it's a very, very good decision. BPCL, according to me, will get a 25% premium from even present prices. And I think if you are there, toh bane rahiye. But jaise aapko kaha, as a disclosure, hum toh 350-60 se leke baithe hoye hain. Toh aapko dips use karne chahiye lene ke liye. I am also overweight on HP and IOC at these prices. BPCL पे अगर आप देखें 25% का अपसाइड की बात कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा बसीन साहब की बाइंग काफी लोअर लेवल्स की है। राजेश सतपुते जी, आप कैसे अप्रोच करेंगे BPCL को, और आई थिंक BPCL की इस न्यूज फ्लो के बीच में अगर आप देखें तो HPCL, IOC उनमें भी काफी स्ट्रॉन्ग और सब्सटेंशियल मूव दिखा गया था। ये बताइए कि इसमें कौन कौन सी ट्रेजेक्टरी, यानी कौन कौन से लेवल बाइंग के लिए बहुत अच्छे लेवल हैं, कहां तक डिप में बाय करें, और ऊपर के मीडियम टर्म प्रोस्पेक्टिव से स्पेशली अगर आप देखें अगले एक हफ्ते के लिए आपके टारगेट्स क्या होंगे। वीरेन देखिए, इसमें एक्युमुलेशन करें, एसआईपी करें, यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में बाय करें बीपीसीएल, क्योंकि इसमें रिवर्सल हो चुका है। और जैसे बसीन साहब ने कहा, मुझे भी लगता है ये करीबन 520-550 की ट्रेजेक्टरी को टेस्ट करे। एक्युमुलेशन जोन है 420 से लेके 420 से लेके 440, 458 का क्लोज है इसका कल का, तो यहाँ से हम लेवल ऑफ 458 भी एक्युमुलेशन हो सकता है, 20% का आपका बाइंग होगा। रही बात आपने सेकंड जो पूछा कि जहाँ पे जगह कहाँ मिल रही है, एचपी पे भी मिल रही है, लेकिन आईओसी में थोड़ा बेटर मिल रहा है, क्योंकि आईओसी में अभी शुरुआत है, और आईओसी ने जो ब्रेकआउट दिया था वो करीबन 90 के आसपास दिया था, 94 का इसका कल का क्लोज है, तो मेरे हिसाब से आईओसी भी बाय लिस्ट पे होगा। अगर इस लेवल पे बाय करना है तो 90 का आपका स्टॉप लॉस होगा, और ऊपर में इमीडिएट टारगेट प्रोबेबली 105 से लेके 110 का होगा। ठीक बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। देखिए बीपीसीएल पर बात हो गई, ये लेकर रखिए और थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि डाइवेस्टमेंट देखिए सरकार कराना चाहती है। देखना होगा कि 31 से पहले किस तरह के नाम सामने आते हैं, लेकिन जो लोग नहीं ले पाए हैं उनको हो सकता है मौका मिले लेने का, अगर नाम में कोई बहुत लंबी सूची, अच्छी सूची सामने नहीं आती और इसकी समय बढ़ जाती है।
तो ये स्टॉक आपके वॉच लिस्ट पर जरूर होना चाहिए, ये बात तो पक्की है, और इसके चलते बाकी पीएसयूज भी। लेकिन सन फार्मा, रोसारी पर भी आता हूं, आई एम श्योर रोसारी पर बहुत सारे लोगों सवाल पूछना चाहते होंगे, लेकिन सन फार्मा के लिए भसीन साहब इससे बढ़िया खबर तो हो ही नहीं सकती थी। टैरो के साथ, टैरो का जो मामला था, देखिए वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ सेटल हो गया, इतना बड़ा ओवरहैंग खत्म हो गया, जो पैसे इनको चुकाने हैं वो तो इनके पास है ही। ये बताइए सन फार्मा आप कैसे देखते हैं इस खबर को, और आपने कैसे एनालाइज किया, आज शेयर क्या एक्शन में रहेगा? हाँ बिल्कुल, आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी बिग जजमेंट, और ये टैरो का एक ओवरहैंग हमेशा था, अभी भी कुछ उनके ऊपर पेटेंट्स के वजह से जेनरिक प्राइसिंग के ऊपर थोड़े से है एक आध उतार चढ़ाव, क्योंकि यूएस एफडीए काफी स्ट्रांगली आ रही है ऑन द प्राइसिंग फ्रंट। बट आई थिंक सन फार्मा, अब अगर ये करेक्शन हेल्दी भी था, इट हैज बीन एन आउट परफॉर्मर, हमने पीछे इसमें थोड़ा शॉर्ट भी किया था अराउंड दैट 487-490 लेवल फॉर टारगेट्स ऑफ 472। I think अब यहाँ अगेन सिप विल बी वेरी वेरी गुड हेमंत, बिकॉज वॉलिटिलिटी कैन बी देयर, बट अगर मेरा अंदाजा ठीक रहा और अगस्त में ब्रॉडर मार्केट करेक्ट करी, देन फार्मा विल रीगेन इट्स मोजो, तो सन फार्मा विल बिकम अ वेरी गुड प्ले टू बी लॉन्ग फॉर द मंथ ऑफ अगस्त एटलीस्ट, और ये एक एडेड किकर है दैट द टायरो प्रोसीडिंग्स हैव बीन सॉर्टेड आउट। वाकई अगर आप देखें जनरिक दवा को प्राइसिंग को लेकर जो ये इशू सुलझा है ना, सन फार्मा के ऊपर एक बड़ा अगर आप देखें ट्रबल जोन था। पालवे जी एक बात देखिए ना, इस खबर का इम्पैक्ट क्या हो सकता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 510, 515, 520 इस स्टॉक के लिए हमेशा एक बहुत स्ट्रांग सप्लाई जोन रहा है जिसको ये पार नहीं कर पाया। पूरे मंथ में इसने कितने अटेम्प्ट लिए, इस खबर के बाद आप कैसे अप्रोच करेंगे? 50 डेमा के ऊपर है, आज स्ट्रेंथ नजर आ सकती है, 510, 515 के ऊपर कहां तक जा सकता है ये स्टॉक ट्रेडर के लिहाज से? देखिए वीरेन जी, काफी बड़ा कंसोलिडेशन स्टॉक में हो चुका है ऑलरेडी, और ये स्टॉक बिल्कुल अब ब्रेकआउट के नजदीक ही ट्रेड कर रहा है। जो आपने बिल्कुल राइटली पॉइंट आउट किया, 510, 515 का जोन है, ये एक बार लेवल निकलता है तो मुझे लगता है कि एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट इसमें चार्ट पे इमर्ज होता हुआ दिखेगा, और उस लेवल को क्रॉस करने के बाद स्टॉक में एक बड़ी तेजी बनना चाहिए जो कि इसको 560, 570 के जोन में भी लेके जा सकती है। क्योंकि अगर हम देखें पूरे फार्मा पैक में, तो इसमें एक अंडर परफॉर्मेंस था पूरे फार्मा स्टॉक को देखें और सन फार्मा को कंपेयर करें, और अब ये जिस तरीके से स्टॉक में एक बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट अगर आज के सेशन में देखने को मिलता है 510 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है, तो बिल्कुल 560, 570 तक के मूव इसमें आते हुए दिखना चाहिए, तो सन फार्मा बिल्कुल बाय करेंगे। इमीडिएट टारगेट जो होंगे इसके कुछ 505, 510 तक के प्रोजेक्ट कर सकते हैं, उसके ऊपर निकलता है तो 560 तक की पोजिशनल अगर कोई होल्ड करता है पोजिशन, तो इसमें 560 तक के टारगेट आते हुए दिखेंगे। बहुत बढ़िया आपने बताया। देखिए आज पूरा जो आप 8 बजे से कार्यक्रम हमारा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं पता नहीं वीरू कुछ तो बात है, फार्मा शेयरों में देखिए तेजी करने की बात निकल कर आ रही है। अच्छी खबरें भी हैं सन फार्मा में, बायोकॉन के नंबर्स अच्छे, डिवीज लैब राजेश सतपुते जी ने कहा आप खरीदिए, अपोलो हॉस्पिटल्स एक तरह से उसी कैटेगरी में आप कर सकते हैं, और भसीन साहब कह रहे हैं अगस्त में फार्मा सेक्टर का समय अच्छा आने वाला है, तो ये सारी चीजें नजर रखिएगा। फार्मा सेक्टर की तरफ जा रही है, और बाजार देखिए इस समय एसजीएक्स निफ्टी करीब करीब 100 पॉइंट नीचे, हांगकांग के बाजार 400 पॉइंट नीचे, और मुझे याद आता है राजेश सतपुते जी का कल का बयान, खुलते ही खरीदने की राय उन्होंने ऑरो फार्मा के लिए दी थी, उसके ऊपर भी बात करूंगा। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऊपर पहले बात कर लेता हूं, और ये वो स्टॉक है जिसके चलते देखिए हम करेक्शन नहीं दिखा रहे हैं, और जितने मुंह उतनी बातें। अब जिस तरह से इन्वेस्टर्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया है जियो के प्लेटफॉर्म में, भसीन साहब आप देखिए लाइन लगाकर लोगों ने खरीदा है, अब लोग अटकलें लगा रहे हैं, एक्स आ सकता है, वाई और आ सकता है, जेड और कंपनी आ सकती है। ये बताइए, मैं नाम नहीं लूंगा और स्पेकुलेट नहीं करूंगा, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं यहां से अगर ये शेयर मजबूत रहा तो सारे जो मंदी का वेट कर रहे हैं लोग वो वेट ही करते रह जाएंगे, इसके लिए आपके टारगेट्स बताइए, क्योंकि अगर ये मजबूत रहा तो फिर बाजार में बहुत मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आ पाएगा। तो हेमंत जी देखिए, हमने तो आपको दिल खोल के कहा था 1250 पे के 2000 का दिवाली तक टारगेट, पहले 1800 का फिर 2000 का, अभी तो दिवाली बहुत दूर है, तो मैं ये कह सकता हूं कि डोंट गेट कॉट इन द वुड्स ऑफ अ प्राइस, लुक एट द बिजनेस। इसी कारण से लोगों ने फैंग स्टॉक्स मिस कर दिए, चाहे अमेजॉन था, चाहे एप्पल था, चाहे माइक्रोसॉफ्ट था, बिकॉज दो स्टॉक्स बिजनेस प्रोफाइल हैज चेंज। सेम इज द केस विद रिलायंस।
अब 13 लाख करोड़ की मार्केट कैप इज नॉट स्मॉल, देर कैन ऑलवेज बी करेक्शन, बट इफ आई एम लुकिंग एट 15 लाख करोड़ बाय द एंड ऑफ द ईयर और मे बी नेक्स्ट ईयर, हाउ विल आई जस्टिफाई इट? ये बिजनेस कभी था नहीं, कोविड में आके ये न्यू रिकॉग्निशन हो गई ऑफ डेटा, ऑफ डिजिटल एंड नाउ ऑफ योर रिटेल एंड एंटरटेनमेंट आज अमेजॉन. सो देर इज नो स्टॉपिंग और रनिंग यू नो कार, और जिस तरह से ये चल रही है इट वुड बी फूल हार्डी फॉर मी टू गिव अ टॉप. हाउएवर जैसे आपको कहा, इफ यू हैव बीन राइडिंग द स्टॉर्म, पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग इज नेसेसरी. एंड द यस्टरडेज कॉन्स्टिट्यूएंट टोल्ड मी के रिलायंस ऑन ICICI बैंक were the only stocks which actually took the Nifty levels. Infosys, TCS, there was profit booking across the board. तो थोड़ा सा मार्केट का इम्बैलेंस है, be watchful. इसलिए मैं कह रहा हूँ profit booking भी जरूरी है, but Reliance continues to be a bull in a China shop. उसको रोकना बड़ा मुश्किल है. हेमंत, जो ये सुबह सुबह निफ्टी का आउटलुक था ना, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि आप रिट्रेसमेंट का इंतजार कैसे करें जब रिलायंस के स्टेट्स इतने स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं. अभी तीन रोज पहले हेमंत, जब हम इसके कॉल ऑप्शन से स्टेट्स देख रहे थे, हमने वो 2020 की कॉल ली थी कल, वो करीब यकीन मानिए 90 रुपए बंद हुई. मिस्टर पालवी, जरा प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा मेरे को. कल भी एक चीज जो कि रिलायंस में अब पिंच कर रही है वो ये है कि कल इसमें शॉर्ट कवरिंग थी, यानी दुनिया जहान के ट्रेडर्स की एक लॉबी ऐसी भी थी जो शॉर्ट गई थी इस पे, और जिसने ये डिस्कवर करके रखा था कि ये 2000 क्रॉस नहीं करेगा, वो हुआ, वो बैकफुट पे थे. एक चीज देखिए आप, कल इसकी 2120 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, 2180 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग, और उससे ऊपर की सारी स्ट्राइक्स में शॉर्ट कवरिंग. राजेश, एक टिपिकल डेरिवेटिव एनालिस्ट की तरह समझाइए इसका मतलब क्या होता है, मायने क्या होते हैं, और कौन सा जोन अब रिलायंस के लिए खुल रहा है ऊपर की तरफ. बिल्कुल वीरेन जी, देखिए कल जो शॉर्ट कवरिंग एक्शन 2000 के लेवल के बाद देखने को मिली, करीब 13 लाख शेयर कटते हुए दिखे 2000 की कॉल में, तो वो तो कहीं ना कहीं एक डर बन गया है जिन्होंने शॉर्ट करके रखा था. बहुत एग्रेसिव राइटिंग थी 2000 के कॉल में, और वहां पे एक अनवाइंड होते हुए दिखा है, उन्होंने अपने लॉस बुक किए कल शॉर्ट कवरिंग के चलते. और अब जो नेक्स्ट डेटा शिफ्ट हो गया है वो 2100 और 2200 की ट्रेजेक्टरी में शिफ्ट हो गया है, और जिस तरीके से शॉर्ट कवरिंग एक्शन हायर साइड के सारे कॉल में देखने को मिल रही, सारी अनवाइंडिंग होते हुए दिख रही, ये स्टॉक मुझे लग रहा है बहुत जल्द हो सकता है जुलाई सीरीज में 2150-2200 तक के टारगेट भी दिखा सकता है. अगले 4-5 दिन काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे. हम इंडेक्स को डिस्कस कर रहे थे, बट रिलायंस इटसेल्फ एक इंडेक्स ही है, और जिस तरीके से बिहेवियर हमने पिछले दिनों में रिलायंस में देखा है, मुझे लगता है कि मार्केट में वॉलेटिलिटी अगर ब्रॉडर मार्केट में अगर आती भी है तो रिलायंस एक ऐसा स्टॉक रहेगा जो कि मार्केट में कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देगा. और कोई भी अगर करेक्टिव एक्शन मार्केट के करेक्शन के चलते रिलायंस में अगर आ भी जाती है तो मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन आएगी, क्योंकि जिस तरीके से डेटा पूरी सीरीज में पेन आउट हुआ है और जिस तरीके से शॉर्ट ट्रैप हुए हैं, अभी भी जिस तरीके से कॉल राइटर्स 2100 के कॉल में अभी भी बैठे हुए हैं, मुझे लगता है उन्हें भी अनवाइंड आज के सेशन में करना होगा. जैसे ही रिलायंस 2100 का लेवल क्रॉस करेगा, बहुत शार्प अप मूव 2180-2200 की तरफ देखने को मिलेगा, तो रिलायंस को लॉन्ग करके ही चलना चाहिए. और जिनको भी कोई डिप भी मिलती है तो उसको ऐड करें 1980, अब स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेना चाहिए कोई भी डिप मिलती है उसको बाय करने के लिए. परफेक्ट आपने बोला, बाय ऑन डिप का स्टॉक है, और ये इसलिए नहीं हम कह रहे क्योंकि हमारा जो प्रमोटर्स हैं वो हमारी जो कंपनी है टीवी 18 नेटवर्क 18 उसके स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास है, ये इसलिए नहीं बात हो रही है, ये एक तरह से आप डिस्क्लोजर भी समझ सकते हैं. लेकिन आप देखिए AGM के दिन जिन लोगों ने 2000 के स्तर के आने से पहले इसे बेच दिया, आज देखिए ऊपर चला गया है, 2050 के ऊपर कारोबार कर रहा है, ऑल टाइम हाईज लगा रहा है, तो परफेक्ट स्टॉक है. और भसीन साहब, मुझे याद है इसके नतीजे जब आए थे तो इससे पहले वाले, तब से देखिए इस स्टॉक के ऊपर बुलिश है. जब मुकेश अंबानी जी की स्पीच में ये था कि वो जियो में देखिए हो सकता है कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आए, उसके बाद झड़ी लगी, और इस बार AGM की स्पीच में साफ लिखा हुआ है और कहा है उन्होंने कि जो रिलायंस का जो रिटेल वाला कारोबार है उसमें अब देखिए लोग आ सकते हैं और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स आ सकते हैं, तो इसके ऊपर आपकी नजर साफ होनी चाहिए. लेकिन चलिए जल्दी से आगे बढ़ता हूं, बहुत सारे और स्टॉक्स हैं. रोसारी बायोटेक, ये वो स्टॉक है जिसने कल लिस्टिंग के दिन ही लोगों को मालामाल कराया, और जैसे ही लिस्टिंग हुई वीरू मैंने साफ बोला प्रॉफिट बुक मत करिए, और जब इसमें लिस्टिंग के बाद 20% और ऊपर गया, और जब इस स्टॉक में एक जबरदस्त रैली देखने को मिली और इंट्राडे 20% का सर्किट लगा, तब हमने कहा कि यहां पर प्रॉफिट जरूर बुक कर लेना चाहिए. तो याद दिलाते हैं क्या बात हुई थी, ट्विटर पर भी दो बार मैंने कहा कि
स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए? अब इस भाव पर क्या करना चाहिए? गोल्डमैन सैक्स ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं या आशीष ने थोड़ी देर पहले हमें बताया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले सुनिए, कल अगर आप सीएनबीसी आवाज देख रहे थे लिस्टिंग के समय, रोसारी बायोटेक का के ऊपर हमारी राय क्या थी, और अगर कल आप आखिरी सौदा देख रहे थे तो सही समय पर आपको प्रॉफिट बुक करने की सलाह दी। वहां से ऊपरी स्तरों से करीब 10-11% शेयर ने करेक्शन भी दिखाई। जब बढ़िया चल रहा हो शेयर तो उसको जल्दी नहीं करनी चाहिए बेचने की। इस तरह के छोटे जो आईपीओ होते हैं वो कमाल दिखा देते हैं। तो आपकी जो आज की ओपनिंग प्राइस है प्रोसारी की, उसका एक उसके ऊपर 100 रुपये ऊपर, आप 150 रुपये ऊपर एक स्टॉप लॉस रखिए और इसमें बने रहिए। ये स्टॉक इस समय 425 के इशू प्राइस के सामने 750 के लेवल्स पर ट्रेड करता हुआ इस तरह का गजब का पैसा बनाया, जिन जिनको सब्सक्रिप्शन आया होगा, अलॉटमेंट आया होगा। तो आईपीओ आने से पहले निवेश की राय बिल्कुल सही साबित हुई, कम लोगों को मिला मुझे पता है, लेकिन जिनको मिला उनको पूरा मुनाफा हमने कहा कि उसको बांधना चाहिए। और देखिए वो स्ट्रेटजी भी सही साबित हुई। अब इस भाव पर हिम्मत नहीं होती भसीन साहब कुछ भी एनालाइज करने की, क्योंकि ये इतना महंगा हो गया है कि अब डर लग रहा है यहां पर कुछ भी कहने के लिए। तो आप बताइए क्या करना चाहिए रोसारी में? अब थोड़ा टफ क्वेश्चन है, पहले थोड़ा आसान वाली बैटिंग थी तो हमने खेल ली, लेकिन आप मजबूत प्लेयर हैं, आप बताइए अब इस भाव पर क्या करेंगे? नहीं, आई थिंक द आईपीओ वॉज अ गोल्ड माइन अगर आपको मिल जाए, बिकॉज द प्रोमोटर्स आर वेरी क्रेडिबल और जो इसके मार्जिन है इन दैट सेक्टर आर द हाइएस्ट। साथ में हेमंत, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बी, यू नो, स्पेशलिटी केमिकल्स एंड बायोटेक, जो आज दोनों तरफ से आप यू नो ग्लोबली इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। तो आई वुड से दैट आई वेट फॉर अ करेक्शन, इफ यू डू गेट अ करेक्शन लेने की चेष्टा कीजिए या सिप कीजिए अभी यहाँ से फॉर द नेक्स्ट 2-3 मे बी 6-8 weeks, तो यू विल गेट अ गुड फ्लो ऑफ दैट। बट यू नो इट्स अ क्वालिटी स्टॉक, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिकॉज आई थिंक द प्रमोटर्स आर वेरी क्रेडिबल। बाकी यू नो जैसे हमारा व्यू है मार्केट में, अगस्त में एक अच्छी शार्प करेक्शन आएगी, दैट्स द टाइम यू शुड बी रेडी टू पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। जी हाँ, तो रोसारी बायोटेक पर अगर आप देखें, कल ये आपने राय सुनी और पहले प्रॉफिट्स को अगर आप देखें होल्ड करना, ट्रेल करना और साथ ही साथ उसके बाद बुक करना। कुछ और स्टॉक्स टू वॉच पर अगर आप देखें, एक बार राय लेता हूँ। एक चार्ट जो मेरे को बहुत अच्छा नजर आ रहा था, कैनफिन होम्स, भसीन साहब इस पर एक बार राय रखिएगा अपनी। कैनफिन होम्स ने कल एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया था और आज जो है फंड रेजिंग की खबर भी है, आपकी राय भसीन साहब क्या होगी इस स्टॉक पर? लगभग इक्विटी के जरिए 1,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है और डेट से करीब करीब 4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है इनकी। कल डे हाई की ट्रेजेक्टरी में बंद हुआ था और लगभग 4 महीने के हाईस पर, इस पे एक संक्षिप्त में आपकी टिप्पणी। देखिए वीरेंद्र, ये क्लियरली दिखा रहा है कि लीडर्स और स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। आप HDFC मॉर्गेज का लार्जेस्ट प्लेयर देखिए, कैनफिन होम देखिए, आप PNB हाउसिंग देखिए, तो इसका मतलब मॉर्गेज बिजनेस इज डूइंग रिलेटिवली वेरी वेरी वेल। और मुझे लगता है जैसे सोना है वैसे जमीन का भाव चल रहा है। आज आपने अनाउंस भी कर दिया गवर्नमेंट इज गिविंग 8,500 करोड़ फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स, तो उससे इनकी जो क्रेडिट वर्थनेस या डेट रेटिंग है इट गोज अप बिकॉज मनी इज कमिंग इन द सिस्टम। तो आई थिंक कैनफिन होम एंड PNB हाउसिंग बोथ आर वेरी वेरी साउंड बैकग्राउंड कंपनीज और इस बिजनेस में द नेम काउंट, ब्रांड काउंट, तभी आप HDFC को आज सबसे ज्यादा प्रीमियम देते हैं। तो आई थिंक मॉर्गेज फाइनेंस कंस्ट्रक्शन द होल हाउसिंग सिनेरियो में there is a lot of valuation discount और वहां पे आपको credible names में बनना चाहिए, Canfin and PNB would fit the bill perfectly। ठीक बात है, तो देखिए Canfin Homes के ऊपर नजर होगी, Yes Bank के ऊपर नजर होगी, Yes Bank के स्टॉक के ऊपर अभी तक सुबह से चर्चा नहीं हुई है। इसका जो सर्किट फिल्टर था वो दरअसल रिवाइज कर दिया गया है, 10% का कर दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से मैं आपसे कह रहा था दूर रहिए FPO से, तो देखिए ये स्टॉक घटता जा रहा है, तो इसके ऊपर भी नजर होगी, देखते हैं वो आज कहां खुलता है। कल 20% के सर्किट पर खुला, उसमें एक रिकवरी देखने को मिली और उसके बाद फिर वहां पर सर्किट लगता हुआ नजर आया। लेकिन देखिए प्री ओपनिंग ट्रेड में हम पहुंच चुके हैं, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं
सीएनबीसी आवाज, आपका फेवरेट चैनल और अवार्ड विनिंग शो पहला सौदा। तो बता देते हैं आपको कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन आज देखने को मिल रहा है। यस बैंक 10% के लोअर सर्किट पर खुलता हुआ और अब ये एफपीओ के प्राइस के पास देखिए आ रहा है और यही सोचा भी था। अब 10% की गिरावट और वो भी अच्छे खासे वॉल्यूम्स के साथ हो रही है। बीपीसीएल में थोड़ी मुनाफा वसूली होती हुई नजर आ रही है। एसबीआई थोड़ा गिरावट के साथ देखिए खुलने की तैयारी कर रहा है। सेंसेक्स आपको 23 पॉइंट नीचे नजर आएगा लेकिन निफ्टी आपको हरे निशान में नजर आएगा। सन फार्मा पर रखिएगा नजर। देखिए ये खबर बहुत अच्छी है, ये जो टेरो वाली न्यूज है, जो इन्होंने अपना समझौता कर लिया है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के साथ, ये बहुत पॉजिटिव न्यूज है और उसके चलते देखिए आज फार्मा सेक्टर में फोकस होगा। देखते हैं बायोकॉन जैसे स्टॉक्स किस तरह से खुलते हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज की वजह से देखिए बाजार कमजोर नहीं होगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज में जिस तरह से देखिए अटकलें चल रही हैं कुछ नए पार्टनरशिप्स आने की, ये वो तमाम चीजें हैं देखिए जो बाजार में सब लोग चर्चा कर रहे हैं और ये स्टॉक भागता ही चला जा रहा है। अब देखिए ये शेयर 2080 के आसपास अब जा रहा है इस समय, तो मीनिंगफुल करेक्शन आने वाला नहीं है और रिलायंस इंडस्ट्रीज बाजार को सहारा दे रहा है। टीसीएस देखिए, आईटीसी देखिए, अपने नतीजों से पहले ये शेयर मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ आपको नजर आ रहा है। कल हम 201 के आसपास कह रहे थे कुछ पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग जरूर करिएगा इस स्टॉक में। तो आईटीसी देखिए करीब करीब 1% मजबूती के साथ आज फिर से कारोबार कर रहा है। विप्रो में तेजी हो रही है, ये वो स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। इंफोसिस में मजबूती के साथ शुरुआत हुई है। तो आईटी और फार्मा ये वो दो ऐसी पॉकेट है जो सबसे बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहे हैं और कुछ डिफेंसिस में खरीदारी हो रही है। लेकिन कमजोर क्या है आप देखिए, सबसे ज्यादा कमजोर है आज JSW स्टील। तो मेटल्स में लोगों ने कल भर भर के तेजी की थी, आज इसके परिणाम भी आने वाले हैं। लेकिन देखिए टाटा स्टील ग्लोबल मार्केट्स में जिस तरह से गिरावट देखने को मिली ओवरनाइट और आज एशियाई बाजार जो कमजोर हो रहे हैं, भले ही ब्रोकरेज हाउसेस की कई रिपोर्ट्स आई हैं तेजी वाली, लेकिन देखिए ये वो सेक्टर है जिसमें अच्छी खासी रैली हुई है। तो आज यहां पर देखिए प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है शुरुआत में, तो इसके ऊपर हमारी नजर वीरू जरूर होगी। बताइए आपने क्या देखा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक और बता देता हूं, ये नीरज की टीम का स्टॉक 2020 का प्लेयर था, 12% ऊपर जाकर कारोबार कर रहा है और टीबीजी तीसरे दिन लगातार सर्किट की तरफ बढ़ता हुआ और हम यही कह रहे थे सर्किट टू सर्किट ही अब चलेगा क्योंकि सोने की चमक के ऊपर ये स्टॉक देखिए परसों बताया गया था। तो दो दिन 10-10% का सर्किट लगने के बाद अब इसका सर्किट फिल्टर हो गया 5% और आज 5% का सर्किट लगाने के लिए ये शेयर तैयार है। आईटीआई ये कल का खिलाड़ी था, देखिए कल भी अच्छा प्रदर्शन स्टॉक ने दिखाया और क्या शानदार तेजी देखने को मिली, आज भी 3% ऊपर ये शेयर जाकर कारोबार करता हुआ आपको नजर आ रहा है। वीरू बताइए आपने क्या देखा। आई थिंक हेमंत थोड़ा सा मेटल्स में आज कमजोरी झलक रही है, जेएसडब्ल्यू स्टील और साथ ही साथ टाटा स्टील ये थोड़ा सा बैकफुट पे हैं और पीएसयू बैंक्स में आप देखें एसबीआई और प्राइवेट बैंक्स में कोटक महिंद्रा बैंक थोड़ा सा बैकफुट पे नजर आ रहा है। लेकिन आई थिंक रिलायंस की स्ट्रेंथ और साथ ही साथ विप्रो की जो नई खरीद है वो आई थिंक विप्रो को फ्रंट फुट पर रखती हुई और आईटीसी याद रखिएगा आईटीसी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप में इस वक्त ऑप्शन टेक्निकली और न्यूज फ्लो के आधार पर और नंबर से पहले 202.50 के स्तर पर। लेकिन वक्त है अब एग्जैक्टली हमारी आज सुबह की 2020 की टीम को समझने का, दोनों खिलाड़ियों के आज के स्टॉक्स कौन से थे, कॉम्बिनेशन क्या था और उस पे से राजेश की प्रिफर्ड पिक को लेने का। आइए देखते हैं पहले कि टीम क्या क्या थी, हेमंत की टीम और राजेश, हेमंत के 10 स्टॉक में से आपकी प्रिफर्ड पिक टेक्निकली सबसे स्ट्रॉन्ग क्या लगती है आपके स्क्रीन पर आप देखें। सियाराम सिल्क है, नितिन स्पिनर्स है, डॉलर इंडस्ट्रीज है, नेलकास्ट, डीएन एक्सेल्स और पावर प्ले में इनके दो प्लेयर हैं जिसको सबसे नीचे रखा गया, एचयूबी सर्विसेज और ओरिएंट बेल। क्या पिक करेंगे इसमें से आप। वीरेन, मैं हेमंत की टीम से मुझे नेलकास्ट बढ़िया लगता है क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो एकदम क्लियर है। यहाँ पे हायर बॉटम फॉर्मेशन है, आप इसको टेक्निकली वेज का फॉर्मेशन कह सकते हैं, कोई लोग इसको चैनल भी कहते हैं, यानी चैनल में कंसोलिडेशन देन ब्रेकआउट फिर कंसोलिडेशन फिर ब्रेकआउट, तो ये अच्छा हायर टॉप हायर बनाते ऊपर जाता है। तो मेरे हिसाब से नेलकास्ट वुड बी अ बेस्ट बेट, 50 का इसका स्ट्रॉन्ग बेस है और ऊपर में मुझे लगता है करीबन 58-60 तक की यहाँ पे नेलकास्ट में जगह है, तो मैं हेमंत की टीम से नेलकास्ट को चुनूंगा। जी की टीम को देखते हैं, हेमंत की टीम में से प्रेफर किया है राजेश ने नेलकास्ट को विद पॉसिबल टारगेट ऑफ 61-51 का स्टॉप लॉस रहेगा। नीरज जी की टीम लेके आई है और उनके 10 खिलाड़ियों को देखते हैं, उसके बाद राजेश की राय लेते हैं कि नीरज जी की टीम में से वो क्या पिक करेंगे। एनएफएल, चंबा फर्टिलाइजर्स, मुन्नापुरम फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, पीएनसी इंफ्राटेक और एशियन ग्रेनेट और मेजेस्को जैसे कुछ स्टॉक्स और रेपको होम फाइनेंस उन्होंने आज शामिल किए हैं। राजेश, इन 10 स्टॉक्स में से आपकी प्रेफर्ड पिक क्या रहेगी।
हेलो राजेश जी, नीरज जी की टीम में से आपका आज का चुनिंदा स्टॉक कौन सा होगा? 10 स्टॉक आपकी स्क्रीन पे है इस वक्त। आई थिंक ओके, चलिए अब देखते हैं कि एग्जैक्टली उनकी नीरज जी की 10 स्टॉक्स की टीम में से राजेश ने क्या पिक किया, ये देखते हैं और वो प्रेफर क्या कर रहे हैं इस वक्त। एनएफएल याद रखिए, वो एनएफएल पिक कर रहे हैं और फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 48 और स्टॉप लॉस करीब 40 रुपए का रहेगा। तो नेलकास्ट और एनएफएल आज 2020 की टीम में से राजेश के प्रेफर्ड स्टॉक रहे हैं। लेकिन चलते हैं अब हेमंत के पास और बाजार खुलने से पहले 10 बातें समझ लीजिए जो कि शायद बाजार खुलने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होगी। हेमंत, ओवर टू यू। बिल्कुल, तो देखिए मार्केट बिल्कुल फ्लैट खुल रहा है। अब प्री ओपनिंग ट्रेड सेटल हो चुके हैं। अब देखिए ये 150 पॉइंट नीचे हो गया है, तो एडजस्टमेंट के बाद करीब करीब 50 पॉइंट नीचे देखिए निफ्टी खुल रहा है और 150 अंक नीचे सेंसेक्स खुलता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो बड़ी बातें आपके सामने आ गई हैं। देखिए आईटीसी पर रखिएगा नजर, जेएसडब्ल्यू स्टील, एशियन पेंट नतीजे आ जाने वाले हैं। एबीबी के नतीजे कमजोर आए, मुनाफा 76% घटा है। तो आपने देखा था एलएनटी के नंबर्स के बाद अब ये भी कमजोर आए हैं। बाकी कैपिटल गुड स्टॉक्स के ऊपर भी नजर होगी। रोसारी बायोटेक का कल शानदार तेजी इसमें देखने को मिली थी, 20% सर्किट के आसपास प्रॉफिट बुकिंग भी आई थी। यहां पर कल खबर आई है कि गोल्डमैन सैक्स ने 4.8 लाख शेयर्स खरीदे हैं। तो इस आईपीओ का दूसरा दिन कैसा रहता है इस पर नजर होगी। सरकारी टेंडर्स में देखिए चीन की कंपनियों के लिए सख्ती बढ़ती जा रही है, पड़ोसी देशों के लिए सख्ती बढ़ती जा रही है, तो ये घरेलू कंपनियों के लिए फायदेमंद खबर होगी। ओवरऑल बाजार के लिए पॉजिटिव बात मानी जाएगी। फंसे हुए रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में 8,770 करोड़ रुपए का पैकेज दिया गया है। कल कुछ रियल एस्टेट कंपनियां चली थी, इस खबर के बाद वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र में देखने को मिलेगी। तो आज रियल एस्टेट शेयर मत खरीदिएगा, कल अगर खरीदे हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने के मौके आपको तलाशने जरूर चाहिए, क्योंकि इसी खबर के चलते कल दरअसल तेजी आई थी रियल एस्टेट कंपनियों में। बीपीसीएल के ऊपर रखिएगा नजर, वीआरएस प्लान का ऐलान कर दिया गया है और कल भी देखिए स्टॉक ने बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था। तो कल डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट की इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी और देखिए वहां से उस बैठक के बाद ये खबर फाइनली बाहर आती हुई। पेट्रोनेट इसके ऊपर रखिएगा नजर, सालाना 10 लाख टन एलएनजी कॉन्ट्रैक्ट रद्द कराया है, तो ये वो स्टॉक है जो फोकस में होगा। पीएनजी इंफ्रा एनएचएआई से सड़क बनाने के लिए 2 कॉन्ट्रैक्ट्स इनके हाथ लगे हैं और गोल्ड पे फोकस होना चाहिए, गोल्ड लोन से जुड़ी हुई कंपनियों के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। गोल्ड ने देखिए आज फिर से खुलते ही एक नया रिकॉर्ड स्तर स्थापित कर दिया है। तो सोने में तेजी देखने को मिल रही है वीरू, यहां कहीं करेक्शन नहीं है। लेकिन फार्मा कंपनियों पर रखिएगा नजर, क्योंकि आज इनका दिन हो सकता है, बाजार कमजोर होगा, तो देखिए यहां पर अच्छी रैली देखने को मिलेगी। सन फार्मा 3% ऊपर खुल रहा है और अच्छी तेजी बाकी के सिप्ला में भी, डॉक्टर रेड्डीज में भी देखिए देखने को मिल रही है। तो ये वो सेक्टर है जो शुरुआत में अच्छा प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। डॉक्टर साहब, हमारे नए मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्या उनके पास चलते हैं और व्यू ले लेते हैं। मुझे बताइएगा अगर आपका और जी अभी मयूरेश से हमारा संपर्क हुआ है नहीं, उनसे संपर्क लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने ये 10 बातें अगर आप देखें बड़ी समझी, इंडेक्स करीब करीब 11,150 की ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ। मयूरेश जोशी भी अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अब उनका ऑडियो भी क्लियर है। मयूरेश गुड मॉर्निंग, कार्यक्रम में स्वागत है। मयूरेश, रिलायंस की स्ट्रेंथ, गोल ऑल टाइम हाई पे, तमाम अगर आप देखें एनबीएफसी जो गोल्ड से जुड़ी हुई हैं उनमें स्ट्रेंथ, और साथ ही साथ आप ये देखिए कि कल आईसीआईसीआई बैंक ने अगर आप देखें अपना एक काफी स्ट्रॉन्ग शो रिफ्लेक्ट किया, ऑल टाइम इस दौर के हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे क्लोज हुआ। आज के सेशन को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं जब थोड़ी सी ग्लोबल मार्केट में सॉफ्टनेस है? मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग एमएन जी। ये बिल्कुल ग्लोबल मार्केट्स थोड़े सॉफ्ट और सुस्त हैं और इसके आई थिंक 2 कारण हैं। एक अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द स्टिमुलस पैकेज जो अनाउंस हुआ नहीं अब तक यूएस मार्केट्स में, और दूसरा आई थिंक जो अनिश्चितता है इन टर्म्स ऑफ वैक्सीन कब आएगा। बट ये दोनों चीजों पे, और जब मैं कल वापस इंटरव्यू सुन रहा था, अमेरिकन सीईओ कॉन्फेडरेशन ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स शुड एक्सटेंड फॉर द यूएस मार्केट्स। और दूसरी चीज जो कोविड 19 को लेके इंश्योरेंस एंड अदर लाइबिलिटीज हैं
वो भी एक्सटेंड करनी चाहिए. तो आई थिंक अमेरिकन सीईओस का आई थिंक जो ओपिनियन है वो बहुत स्पष्ट है एंड जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स आई थिंक दे आर कमिंग टुगेदर फॉर अ ह्यूज पैकेज टू प्रॉब्ली गेट डिसबर्स्ड ऑन दीज सिमिलर लाइन्स. दूसरा आई थिंक जो डेवलपमेंट्स चल रही है वैक्सीन को लेकर, आई थिंक वहाँ पे आई थिंक जो एक फास्ट ट्रैक मूव्स आ रहे हैं काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस थ्रू गवर्नमेंट्स थ्रू, आई थिंक काफ़ी होप है कि बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर कोई ना कोई वैक्सीन और एक सॉल्यूशन मिल जाएगा. इसलिए आई थिंक जो अनिश्चितता है बाजार में और जो आई थिंक एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई थी, आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हैज बीन सीन इन द ग्लोबल मार्केट्स एंड आर मार्केट्स विल रिपीट दैट. बट जब तक आई थिंक रिलायंस स्ट्रांगली खड़ा है मार्केट के लिए, और जैसे आपने वीरू जी राइट को लिखा, अगर आईसीआईसीआई बैंक रिजल्ट्स के साथ सरप्राइज करता है कल, तो मुझे नहीं आश्चर्य होगा कि मंडे को आई थिंक विल बाउंस बैक वेरी वेरी शार्पली. इसलिए 10,900-11,000 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है इंडेक्स और मार्केट्स के लिए, एंड मेरे ख्याल से आई थिंक जब तक वो ब्रीच नहीं होता तब तक मार्केट्स में तेजी बरकरार. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ये वो स्टॉक है देखिए जो आज भी मजबूती की तरफ खड़ा हुआ है और बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है, लेकिन 250 पॉइंट नीचे देखिए बैंक निफ्टी ग्लोबल बाजारों के चलते देखिए जो गिरावट है उसका असर यहां पर देखने को मिल रहा है और एक गैप डाउन ओपनिंग हो रही है. आप देखिए ये दो बढ़ने वाले शेयर के सामने तीन गिरने वाले शेयर इस समय नजर आ रहे हैं. हालांकि ये प्री ओपनिंग ट्रेड्स हैं, ये सेटल होंगे, लेकिन और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो खबरों के दम पर एक्शन दिखा रहे हैं. देखिए बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तो हमने बात करी, टीबीजी की बात भी हुई है, जेंसार टेक्नोलॉजीज आशीष आपको बता रहे थे कि काफी हद तक प्राइजिंग है, ये नतीजे 3% ऊपर देखिए ये स्टॉक खुलने की तैयारी आज के सत्र में कर रहा है. रोसारी बायोटेक ये बड़ा टफ सवाल है. अब आप देखिए आज फिर से ये शेयर 1.5% ऊपर खुल रहा है, दूसरे दिन कैसे अप्रोच करेंगे मयूरेश जी से? नहीं, आपकी सलाह और जो सजेशन था बहुत सटीक था हेमंत जी. आई थिंक जो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है आफ्टर अ प्रीमियम लिस्टिंग, हालांकि बिजनेस सेगमेंट्स बहुत सही मायने में है, दे आर इन द राइट फील्ड इन द राइट स्पेस, बट वैल्यूएशंस भी नाम एक नाम की एक कोई चीज होती है एंड देयर वैल्यूएशंस हैव गॉन आउट ऑफ व्हैक. तो आपकी जो कल की सलाह थी आई थिंक प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और स्टॉप लॉस ट्रेल करना चाहिए, आई थिंक बहुत सटीक सलाह है. कल हम भी यही मान रहे थे कि आई थिंक एटलीस्ट आधा प्रॉफिट ले लीजिए तो कि आपकी कॉस्ट रिकवर हो जाएगी कंप्लीटली और स्टॉप लॉस को ट्रेल करिए. तो बिल्कुल आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लुकिंग एट वैल्यूएशंस टेकिंग मनी ऑफ मेक सेंस. अगले कुछ हफ्तों में आई थिंक कैसे आई थिंक बाजार फेज आउट होता है और प्ले आउट होता है, देन वी कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू री एंटर द स्टॉक या कोई अच्छा स्टॉक दूसरा यही स्पेस में कुछ काम करना चाहिए वैल्यूएशंस के तौर से. चलिए अच्छा एक स्टॉक और जोड़ लेते हैं आई थिंक इस डिस्कशन में और समय की बहुत कमी है. अल्ट्राटेक सीमेंट आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है. राजेश बहुत संक्षेप में सिंक नहीं हुआ है स्टॉक, लेकिन आपकी राय क्या है कैसे अप्रोच करेंगे इस स्टॉक को? 3839 एक रुपए ऊपर है, गेनर्स के साइड में खड़ा है लेकिन एक क्रिटिकल लेवल पे है. बहुत संक्षेप में वीरेंद्र यहाँ पे कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट है 3,800 से लेकर 3,825 और इस सपोर्ट को ये रिस्पेक्ट दे रहा है. तो आपका फ्यूचर में अगर बात करें तो 3,800 के नीचे कम से कम 21-25 रुपए का स्टॉक लॉस होगा बायोटेक स्ट्रेटेजी करें. ऊपर में मुझे लगता है इसका जो टारगेट है वो है 3,940 से 3,950. तो फिलहाल यही कहूंगा 3,800 से लेकर 3,950 इसकी ट्रेजेक्ट्री है. ठीक बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर. अच्छा डाउ फ्यूचर्स पर भी रखिए नजर. देखिए डॉक्टर साहब एक बार फ्लैश करा दीजिए, डाउ फ्यूचर्स इस समय 90 पॉइंट नीचे कारोबार कर रहे हैं अमेरिका के बाजार के फ्यूचर्स. तो अमेरिका में गिरावट आज और होगी, वीकेंड का सेशन है, इसीलिए वेट एंड वॉच की रणनीति एक बार रणनीति दिखा देते हैं आपको. वेट एंड वॉच की होनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग की होनी चाहिए. कल हमने कहा था आईटीसी में नतीजों से पहले मुनाफा वसूल कर लीजिए, 201.50 रुपये का भाव था, आज भी वही रणनीति है. आईसीआईसीआई बैंक में भी आपको भसीन साहब कह रहे हैं देखिए नंबर्स आने हैं वीकेंड पर, एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि देखिए इन स्टॉक्स ने इस हफ्ते बहुत शानदार प्रदर्शन दिखाया है. नो डाउट नंबर्स अच्छे आएंगे, पार्शियल प्रॉफिट बुक करिए या कुछ तो मुनाफा वसूल करने वाला दिन आज है, तो प्रॉफिट बुक करिए, शॉर्ट नहीं करिए, ये बात ध्यान रखिएगा. ये बिल्कुल साफ राय है आज की स्ट्रैटेजी जो निकल कर आई है मुनाफे की तैयारी से, वो यही निकल कर आई है. तो और हमारे सारे एक्सपर्ट्स देखिए यही स्ट्रैटेजी लगभग बता रहे हैं. तो फोकस में होगा मार्केट और देखते हैं किस तरह से ओपनिंग होती है.
निफ्टी खुलने जा रहा है 250 पॉइंट नीचे, दरअसल सेंसेक्स बैंक निफ्टी खुल चुका है और 200 पॉइंट नीचे देखिए सेंसेक्स ने शुरुआत आज के सत्र में कर दी है। तो एक कमजोर शुरुआत हुई है और ऐसा नहीं हमें पता नहीं था ये कमजोर शुरुआत होगी, अमेरिका के बाजारों में जिस हिसाब से देखिए गिरावट देखने को मिल रही है ये होना था। और हम 1.9 के पुट कॉल पर कारोबार कर रहे थे, ओवरबॉट थे, ऑल टाइम हाईस पर कारोबार हो रहा था, तो ये ऐसा देखने को मिलना था। अब आप देखिए 350 पॉइंट नीचे अब खुलने के बाद बैंक निफ्टी पहुंच गया है, 300 पॉइंट नीचे सेंसेक्स पहुंच गया है, 11,150 के नीचे अब निफ्टी भी कारोबार कर रहा है, मिड कैप इंडेक्स भी 0.5% नीचे ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा और गिरने वाले शेयर दुगने हो गए हैं बढ़ने वाले शेयरों के मुकाबले। केवल सन फार्मा है, ये खबर दरअसल अच्छी है, तो देखिए यही वो स्टॉक है जो सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है और आज चर्चा यही हुई थी वीरू कि फार्मा ही आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा, तो आप देखिए और आरआईएल के बारे में चर्चा हुई थी, आरआईएल में और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, तो आरआईएल मजबूती के साथ भाग रहा है और सन फार्मा, ल्यूपिन, सिप्ला, आप देखिए सारे फार्मा, कैडिला, ये सब भाग रहे हैं, टोरेंट फार्मा, टॉप 10 अगर आप एफएनओ गेनर्स देखें तो उसमें आपको अब ओरो भी आता हुआ नजर आएगा, तो ओरो, डॉक्टर रेड्डीज, आज फार्मा का दिन है और रिलायंस का दिन है, ये दो ऐसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं जो बाजार को देखिए सहारा देने का काम आज के दिन कर रहे हैं। और अगर आप जाकर देखें निफ्टी में तो आपको फार्मा इंडेक्स इकलौता एक ऐसा इंडेक्स दिखेगा जो 1% की तेजी दिखा रहा है और एनर्जी इंडेक्स इसलिए क्योंकि रिलायंस है इसमें, बाकी सारे आपको लाल निशान में दिखेंगे। तो बैंक निफ्टी बाजार को नीचे खींचने का काम कर रहा है और आरआईएल बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहा है फार्मा के साथ। आज मार्केट को अगर एक लाइन में ओपनिंग को समअप करना होगा तो शायद यही एक फैंटास्टिक सटीक लाइन हो सकती है। देखिए अब भेल भी करेक्ट हो रहा है, ये जो एबीबी के नंबर्स कमजोर आए हैं इसका असर है, एक्सिस बैंक का में और प्रॉफिट बुकिंग, एसबीआई में और प्रॉफिट बुकिंग, एचडीएफसी में भी प्रॉफिट बुकिंग, 2% नीचे कारोबार करता हुआ, डॉक्टर साहब एक बार दिखा दीजिए पूरा का पूरा हीट मैप, और आरआईएल, सन फार्मा, ये हैं गेनर्स। तो हीट मैप लाते हैं आपके सामने, समझ में आएगा कि ओवरऑल मार्केट का सेटअप कैसा दिख रहा है आपको। ये देखिए हीट मैप आपके सामने आएगा और आप देखेंगे कि लार्ज कैप्स, हैवी वेट्स में हफ्ते के आखिरी कारोबार दिन कुछ मुनाफा वसूली हो रही है और इन हैवी वेट्स ने बहुत बढ़िया रिटर्न्स पूरे हफ्ते आपको कमाकर दिए हैं, चाहे वो एचडीएफसी लिमिटेड के अलावा एचडीएफसी बैंक भी क्यों ना हो। ये देखिए सिप्ला, विप्रो, विप्रो में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, इंफोसिस में बढ़िया तेजी है, आज आपको बड़े दिनों के बाद बेयर्स का पलड़ा थोड़ा सा भारी नजर आ रहा है और हैवी वेट्स में गिरावट देखने को मिल रही है, इवन भारती देखिए 1% नीचे ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा, ऑटो में देख लीजिए मारुति, आईशर, सब में प्रॉफिट बुकिंग, तो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन प्रॉफिट बुकिंग के नाम है और आईसीआईसीआई बैंक में देखिए लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी है, 1.5% नीचे ये स्टॉक कारोबार करता हुआ, एसबीआई भी कमजोर है और इंडसइंड बैंक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। तो वीरू वीक शुरुआत हुई है और पता था कि ऐसा होने वाला है। जी गैप डाउन शुरुआत हुई है और इधर प्लीज इंडेक्स लेके आइए, कुछ लेवल्स जो आपके जहन में होने चाहिए मॉर्निंग स्ट्रेटजी के मुताबिक, याद रखिए कल जो सबसे स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई थी वो थी 10-11-100 की स्ट्राइक पे, तो उसके मुताबिक ठहराव सिर्फ निफ्टी पे 11-100 पे आ सकता है, तो अभी कुछ नहीं करना याद रखिएगा। और बैंक निफ्टी अपने कल के बेस जोन यानी 22,800 और 22,700 के नीचे खुला है, तो कुछ अटेम्प्ट नहीं करना है इस वक्त, कोई लॉन्ग अटेम्प्ट नहीं करनी है फॉर द टाइम बीइंग। अब आते हैं कुछ स्टॉक्स पे जहां पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, इसमें सबसे ऊपर सन फार्मा, रिलायंस दूसरे पायदान पे है, तो 11-100-11-120 बड़ा इंटरेस्टिंग लेवल रहेगा इन कोरिलेशन टू रिलायंस। लेकिन फार्मा में स्ट्रेंथ अच्छी खासी है, राजेश मैं आपसे पूछूंगा कि फार्मा स्क्रीन पे स्ट्रांग है, स्टेबल है और सिंक नहीं हो रहा है, फार्मा में आपकी पहली प्रेफर्ड पिक क्या होगी या फिर कोई और स्पेस जिस पे आप पहला दाव खेलना चाहते हैं? नहीं, मैं फार्मा पे ही खेलना चाहूंगा वीरेन, और उसमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है और जो जहां पे मैंने मॉर्निंग में कॉल दिया था वो है डिवीज लैब। आज देखिए आज खुलते ही लोअर लेवल पर जहां पे खुला वहीं से इसमें रिकवरी शुरू हुई, तो मेरे हिसाब से डिवीज लैब यही मेरा बेट होगा। 2410 के आसपास फिलहाल ट्रेड हो रहा है, मेरा स्टॉप लॉस होगा 2380 का और ऊपर में 2480 से लेके 2500 ये इसका पहला टारगेट।
ठीक बात है। तो डिवीज लैब आपका पहला खिलाड़ी, आपने सुबह भी कहा था कि आपको ये पसंद है, भागता हुआ आपको नजर आ रहा है। पहला ट्रेड पालिया साहब आप बताइए और बाजार पर भी राय दीजिए। गैप डाउन के बाद सारी मलाई तो निकल गई, अब बेचने की भी हिम्मत नहीं हो रही, कैसे अप्रोच करेंगे बाजार को? और आपका पहला कॉल मेरे ख्याल में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर था और अपोलो हॉस्पिटल्स पर था, बताइए। पालविया साहब को शायद आ रही है आवाज, क्या पालविया साहब को नहीं आ रही? कोई बात नहीं। तो देखिए आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में मजबूती है और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फिर से एक ऑल टाइम हाई लगा दिया है। ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अभी अभी एक ऑल टाइम हाई खुलते ही जड़ दिया है और ये वो स्टॉक है देखिए जो मंदी करने वालों को बाजार से परे रख रहा है। तो 1220 का जो 21 का जो स्तर आपको देखने को मिला है, देखिए अभी अभी वो दरअसल इसका ऑल टाइम हाई लगाया। तो RIL ये बाजार को सपोर्ट दे रहा है और ये बढ़ता ही जा रहा है, 1225 हो गया है। देखिए अभी अभी यहां पर BSE का मैं आपको इंट्राडे हाई बता रहा हूं और ऑल टाइम हाई बता रहा हूं। तो रिलायंस है वो स्टॉक जो भाग रहा है और रिलायंस का पार्टली पेड स्टॉक भी, डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज दिखा दीजिए, ये भी बढ़िया प्रदर्शन आज के सत्र में दिखा रहा है। नीरज का कल का खिलाड़ी आज भी दिखाइए, राजेश सतपुते जी। मतलब ऐसे बाजार में जो आप देखिए कुछ स्टॉक्स है जो हाइज पर हाइज लगा रहे हैं, 52 वीक हाइज लगा रहे हैं। NFL दिखाई डायरेक्ट साहब, ये स्टॉक नीरज ने कल सुझाया था, मेरी टीम में भी सुबह सुबह स्टॉक 2020 के शामिल था, कल इसने नीरज के सुझाने के बाद नया 52 वीक हाई लगाया और आज फिर से देखिए एक नया 52 हफ्तों का उच्चतम स्तर छुआ है। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में गजब की रैली देखने को मिल रही है। NFL पर आपके इंट्राडे टारगेट्स बताइए, उस समय हम आपसे बात नहीं कर पाए, आपसे संपर्क टूट गया था जब स्टॉक 2020 का अपडेट दिया जा रहा था। जिन्होंने कल खरीदा देखिए उनको आज और ऊपर जाने का मौका मिला है इस टफ मार्केट में। इसका अल्टीमेट लेवल क्या है? इसका अल्टीमेट लेवल होगा करीबन 52 से लेके 55 का। तो इट्स अ क्लियर कट, यहाँ पे हर लेवल पे यहाँ पे बाइंग हो रही है, डिलीवरी यहाँ पे मार्क हो रही है। और हेमंत अभी जो फ्रेश ब्रेकआउट है वो 40 का है, 42 का ये करंट प्राइस है, आपका स्टॉप लॉस होगा 39, आज का पहला पड़ाव रहेगा 48 का। 48 के बाद जैसे मैंने कहा 55 तक क्लियर कट, यहाँ पे जो ऊपर का जो टारगेट है ये खुला हुआ है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कहीं नहीं है। तो हर लेवल पे मुझे लगता है एक्युमुलेशन होता जाएगा और काउंटर नया हाई बनाता जाएगा। चलिए इस बीच आज का आई थिंक मैंने जो स्टॉक एक निकाल के रखा था ना वो दोनों एनालिस्ट की राय पे निकाल के रखा था। राजेश जरा देखिएगा, टेक महिंद्रा 630 ये ट्रेड कर रहा है और एग्जैक्टली 200 डेमा पे ट्रेड कर रहा है। ये भसीन साहब की कॉल थी, ये कल की आपकी BTST कॉल थी, लेकिन मैं इसे दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूंगा। राजेश आपको लगता है क्या ये 7 सेशन का हाई क्रॉस करेगा ये आज और अब पॉजिटिव हो चुका है, क्या इसकी किसी आउट ऑफ मनी कॉल पे फोकस करें? राजेश जरा प्लीज डायरेक्टर साहब इसकी 650 की कॉल लेके आइएगा। राजेश क्या कहेंगे आप 630? राजेश सतपुते जी 650 की कॉल पे फोकस करेंगे क्योंकि अभी पॉजिटिव हो गया और अब बात करते करते 200 डेमा के ऊपर। राजेश आपकी राय। वीरेन मुझे लगता है कि जैसे कल भी हमने कहा ये 650-660 तक तो आराम से जाना चाहिए, 625 का एक स्ट्रॉन्ग हार्डल जो 200 डीएमआर हम वॉच करते थे वो तो इसने बखूबी पार किया, अभी तो वॉल्यूम और वो भी कल हुआ, इसलिए कल हमने इसको BTST के तौर पे उतारा था। 620 का हमारा फ्यूचर में स्टॉप लॉस होगा, ऊपर में 640-650 के ट्रेजेक्टरी में आज ही चला जाएगा। आपने बिल्कुल सही कहा 650 का कॉल, मुझे लगता है वीरेन हमने कल क्लोजिंग शो पे भी इस पे बात की थी 650 का कॉल के लेना चाहिए, तब ये कुछ 16 रुपए पे चल रहा था, नाउ इट इज एट 20 रुपीज। तो मैं ये कहूंगा हम 15 का स्टॉप लॉस रखेंगे 650 के कॉल के लिए और ऊपर में मुझे लगता है करीबन 30-35 का टारगेट लेके इंट्राडे बेसिस पे काम करना चाहिए। बहुत सही कहा आपने बाप। तो टेक महिंद्रा आज भसीन साहब का पहला टॉप कन्विक्शन आइडिया, ध्यान रखिएगा ये नतीजों से पहले का मूव है जो आपको देखने को मिल रहा है और बहुत ही शानदार मूव है। तो सोमवार को नंबर से पहले ये स्टॉक भागता हुआ आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्या हुआ अगर 250 पॉइंट नीचे सेंसेक्स है, क्या हुआ अगर 350 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी है? देखिए इसे कहते हैं कॉल और क्या शानदार रैली इसने दिखाई है। तो कल अगर आपने खरीदा आखिरी सौदा देखा तो भी फायदे में, और अगर आज सुबह सुबह आप ट्रेड ले रहे हैं तो भी देखिए आप फायदे में। इस तरह के बहुत सारे कॉल्स हैं विरूप, जिन्होंने कल आखिरी सौदा देखा। आप देखिए कल राहुल शर्मा कह रहे थे कि आपको लेकर जाना चाहिए BEL, एक बार देखिए BEL का भाव, और मुझे बिल्कुल क्लियर याद है BEL जब उन्होंने ट्रेड एट 2 दिया था तो 101 रुपए का भाव था। 3 बजे भी मैंने उनसे पूछा अभी बताइए BEL ले लें,
तो कह रहे थे बिल्कुल ले लीजिए, अभी भी लेना चाहिए और ये BTST भी करना चाहिए। तो ऐसे टफ एनवायरनमेंट में भी BEL 104 का इंट्राडे हाई लगाकर आया है। स्टॉप लॉस ट्रेल कराइए या प्रॉफिट बुक करें। ये राहुल तो अभी हमारे साथ है नहीं, लेकिन राजेश जी आपके तो मित्र हैं, बताइए क्या करना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस ट्रेल करना बढ़िया रणनीति होनी चाहिए? 101 पर जिसने कल खरीदा आप, आज क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए? आप जो कहते हैं ना कि जो काउंटर चल रहा है उसमें प्रॉफिट बुकिंग की हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, सिर्फ स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। तो ये स्टॉप लॉस को ट्रेल करने वाली बात है, 102 का स्टॉप लॉस होगा हेमंत। ऊपर में मुझे राहुल का एक्सैक्ट टारगेट याद नहीं, लेकिन जो मुझे दिख रहा है वो 108 का टारगेट दिख रहा है। तो 110 था सर, मैं लाता हूँ वो प्लेट, 110 उन्होंने बोला था। तो हेमंत वही 108-110 के ट्रेजेक्टरी में मुझे लगता है आज ये जाना चाहिए। तो स्टॉप लॉस होगा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 102 का। अगर नया भी यहाँ पे फ्यूचर लेना है तो भी मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात तो लगती नहीं है। तो 102 का स्टॉप लॉस। एक बात और, ये आपने जो याद दिलाया ना, जब ऊपर जा रहा हो तो प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए, लेकिन कल मैंने थोड़ा सा 20% की तेजी के बाद करा दिया था एक बार प्रॉफिट बुक। आज मैं देख रहा हूँ तो रोसारी दिखाई, डॉक्टर साहब रोसारी का स्टॉक आज फिर से भागने लगा है। अब मेरे तो समझ से परे है, 4% की रैली आज भी देखने को मिल रही है कल की 80% की रैली के बाद। क्या भागा है देखिए ये स्टॉक, देखिए लोग तो ले रहे हैं आई एम श्योर, वरना इस तरह से भागता नहीं ये शेयर। दूसरे दिन 17 लाख शेयरों का वॉल्यूम भी हुआ है, तो राय लेना तो बनता है। रोसारी जिनके पास अभी भी है उनको क्या स्टॉप लॉस रखना चाहिए? राजेश पालिया जी से पूछते हैं। पालिया जी, कल की धुआंधार तेजी के बाद आज कंसेंसिस के विपरीत ये शेयर चल रहा है, 4% ऊपर है, कैसे अप्रोच करेंगे? देखिए हेमंत जी, डेटा तो काफ़ी लिमिटेड है और एक दिन के डेटा में इसको टेक्निकल सेटअप के हिसाब से तो जस्टिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि आज भी स्टॉक में बाइंग एक्शन बना हुआ है, तो अब जिनके पास भी पोजीशन है उन्हें या तो 755 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले और एक बार मुझे लगता है प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए स्टॉक में। हो सकता है ये एक फॉलो अप बाइंग एक्शन जरूर देखने को मिला, कहीं लेफ्ट आउट फीलिंग होगी या कोई एडजस्टमेंट होंगे, वो उसके कारण से स्टॉक में एक मोमेंटम थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है 755 का स्टॉप लॉस बिल्कुल प्लेस करके रखना चाहिए। अगर वो लेवल फिसलता है तो फिर स्टॉक में हो सकता है कि एक एक्सटेंडेड प्रॉफिट बुकिंग और इनिशिएट होते हुए दिखे। तो जिनकी पोजीशन है 755 का स्टॉप लॉस रख ले, ऊपर में अगर लेवल मिलता है 780-785 तो भी बुक करते हुए चले इसको। इस बीच आप देखिए निफ्टी ने एग्जैक्टली वही लेवल होल्ड कर लिया। आज का जो लो है वो है करीब करीब 11123। डॉक्टर साहब प्लीज सुबह की मेरी मॉनिटरी कमेंट्री का वो एक लेवल जरूर रख दीजिएगा, 11083 और 11120, वहां से एक पुल बैक आया। देखिए इस बाजार को पैसा चेस कर रहा है, रिलायंस डे हाई पर है और मार्केट बैथ थोड़ी सी इंप्रूव हो रही है। तो बस एक इंतजार करिएगा कि कैसे बैंक निफ्टी 22800 स्पॉट उस क्लस्टर को बाहर ऊपर की तरफ निकालता है। लेकिन फिर भी अगर आप स्टॉक्स पे शिफ्ट हो जाएं तो वो ज्यादा अच्छा नजर आ रहा है। राजेश जरा एक प्लीज स्टॉक देखिएगा, आई थिंक ये आपकी कॉल थी या पता नहीं, इनफैक्ट ये आशीष चतुर्मुदा की कल की कॉल थी, मन्नापुरम फाइनेंस 183 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री पे। राजेश मैं अमूमन किसी भी ऑल टाइम हाई के स्टॉक को ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहता हूं, और क्योंकि जो कि अपने प्रीवियस हाई की ट्रेजेक्ट्री को क्रॉस कर रहे होते हैं। मन्नापुरम फाइनेंस के डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार 185 की कॉल लेके आइएगा, इसका प्रीमियम दिखाइएगा कितना है। आई गेस मेरे पास इसके कोट्स नहीं आ रहे हैं। राजेश 185 की कॉल पकड़ेंगे क्या आप? चल भी चुका है और ये ट्रेड कर रहा है 515 पे, लेनी चाहिए क्या? अगर 7-8 रुपए का टारगेट हो, 3-4 रुपए का मेरे को स्विंग मिल जाएगा, कैसे अप्रोच करेंगे आप इस ट्रेड को? लेनी चाहिए। देखिए मुझे लगता है यहाँ पे 5-5.5 के आसपास यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। दिन के लो का जो दिन का लो करीबन 3.5 का है, मीन्स 185 का कॉल ऑप्शन 5-5.5 पे ट्रेड हो रहा है, 3.5 का यहाँ पे लो है, 3 का स्टॉप लॉस होगा। फ्यूचर में मुझे लगता है ये इसका जो हाई है 192 का, इसको ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा। गोल्ड स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली ये सेक्टर ही पूरा बजिंग रहेगा। तो मन्नापुरम 185 करेंगे तो हम जल्दी इन द मनी आ जाएंगे और सामने एक्सपायरी है तो शॉर्ट टर्मिंग कैंडिडेट डेफिनेटली होगा। तो मन्नापुरम भी यही होगा, अगर आपने फ्यूचर में लिया है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें। स्टॉप लॉस होगा 180 का, सामने 190-192 का टारगेट, 185 का कॉल बाय करें तो सामने जो टारगेट बनता है वो करीबन 10 रुपए का होगा एट ए लेवल ऑफ 5।
तो आखिरी सवाल देखने वालों के पैसे बन रहे हैं, बिल्कुल देखिए स्पष्ट है, हमने आपको मन्नापुरम बताया था कल, हमने आपको बताया था बीएल आप खरीद कर जाइए, हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि टेक महिंद्रा खरीद कर जाइए, और आपके सामने ही है ये सब। अगर आपने किसी वजह से नहीं देखा तो ट्विटर पर ये पूरा शो अवेलेबल है, देखिएगा क्या बात हुई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के कॉल ऑप्शन ही खरीदने की बात हुई थी, और अगर आप देखें टॉप 5 स्टॉक्स में यही आपको नजर आएगा, बीएल नजर आएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज नजर आएगा, मन्नापुरम फाइनेंस टॉप 10 में आपको नजर आएगा, और फार्मा सेक्टर का बोलबाला है। फार्मा के बाद एक और ऐसा सेक्टर है जो हरे निशान में आ चुका है, डॉक्टर साहब दिखाइए प्लीज। सबसे पहले तो आईटी सेक्टर, तो पहले फार्मा आया क्योंकि बाजार डरा हुआ था, घबराया हुआ था, अमेरिका के फ्यूचर्स को देखकर, यूएस में प्रॉफिट बुकिंग को देखकर, ओवरबॉट लेवल्स को देखकर भारत में, और डाउ फ्यूचर्स अभी भी 100 पॉइंट ऊपर है, तो ऐसे में आईटी और फार्मा ही कमाल दिखाएंगे। भसीन साहब ने टेक महिंद्रा आपको बताया था, उसके पीछे पीछे देखिए विप्रो भी निकल रहा है, उसके पीछे पीछे देखिए एनआईटी टेक्नोलॉजीज भी निकल रहा है, एनआईटी टेक्नोलॉजीज माइंडट्री भी भाग रहा है। अच्छा ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज दिखाइए डॉक्टर साहब, स्टॉक 2020 में आज 3-4 आईटी कंपनियां तो मैंने भी टीम में शामिल की थी, अगर हो सके तो एक बार 2020 का पूरा प्रदर्शन कैसा रहा टीम्स का वो दिखा दीजिए, क्योंकि मिड कैप हरे निशान में सबसे पहले आएगा, तो मिड कैप आईटी भी भागेंगे और लार्ज कैप आईटी भी भागेंगे। ये सेक्टर सुबह से देखिए हम लोगों के रडार पर है, और क्या गजब का मूव इस सेक्टर ने आज के सत्र में दिखाया है। और ऑनवर्ड टेक्नोलॉजी ये स्टॉक आज का मिस्टर डिपेंडेबल स्टॉक था, और ये 20% वाला कैंडिडेट मुझे नजर आ रहा था, तो ये 17% तो ऊपर हो चुका है इस समय, और पीछे पीछे देखिए बाकी के आईटी स्टॉक्स भी अच्छा प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ऑनवर्ड 20% वाला है सर, लग रहा है आपको सर्किट गुरु साहब? डेफिनेटली लगेगा सर, मेरे लिए कोई बचा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 1.5% बचा है अभी, तो मेरे बचा नहीं है सर, मैं क्या करूँ। मुझे लगा था आप सुबह सुबह ये वाला पसंद करेंगे अपने 2020 के पिक्स में से। अच्छा मैं कुछ नया दूं क्या इसमें आईटी में? बताइए प्लीज नया दीजिए, ये तो मजाक वाली बात है, मैं तो खाली माहौल बना रहा था कि देखिए आज आईटी का दिन है, ये 20% का लगना ही था, ये बात सुबह 7:30 बजे बोली थी। हेमंत मेरे हिसाब से जो आपने जिसे टच किया था वो था विप्रो, और विप्रो आप देखिए विप्रो यहाँ पे कहीं ना कहीं एक शॉर्ट कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर मैं देखता हूँ। अगले हफ्ते एक्सपायरी है, विप्रो में एक बेयर ट्रैप हुआ है 230 के नीचे, लोग कंफर्टेबली बेच रहे थे उसको, और एक ही दिन में इसमें एक झटका लगा, और रिजल्ट के बाद मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस रिजल्ट नहीं मुझे लगता है कुछ फंडामेंटल था ये था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रैली आई उसके बाद वो बेयर ट्रैप अभी भी है, लोग वेट कर रहे हैं कि विप्रो घटे, मेरे हिसाब से घटना नहीं है, विप्रो को चलना है क्योंकि सामने एक्सपायरी है। तो शॉर्ट टर्म कैंडिडेट के तौर पे विप्रो मेरा एक अच्छा बाय रहेगा एट ए लेवल ऑफ 269, आज के हिसाब से सोचे तो 280-285 इसका टारगेट होगा, लेकिन मेरे हिसाब से इवेंचुअली एक्सपायरी तक ये 300+ पार करेगा, सो विप्रो इज अ बाय, स्टॉप लॉस एक ही होगा 260। इस बीच रिलायंस ने फ्यूचर्स में हेमंत 2100 का शगुन पार कर लिया है, 2102.80 रुपए, तो आई थिंक कल की शॉर्ट कवरिंग और आज की शॉर्ट कवरिंग और कल के स्टैट्स की बखूबी बयां कर रहे थे कि ये यहां नहीं रुकेगा, जिस प्रकार की 2100 की कॉल में कल शॉर्ट कवरिंग थी। लेकिन विषय को बदलते हैं कुछ और, मिस्टर पालवी थोड़े कैश के रेट्स के बारे में बात करते हैं, या फिर वो स्टॉक्स जो कि फ्यूचर्स में है उन्हें कैश में ले सकते हैं या फिर फ्यूचर्स में ले सकते हैं। जरा एक बार देखिए टाटा केमिकल, ये हाई डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये आप देखिए 10 जुलाई से लेकर अब तक के सारे हाई क्लस्टर्स को पार करने की कोशिश कर रहा है 308.50 रुपए। एक बार जरा इस पर अपना टेक दीजिएगा, यहाँ पे कोई इंट्राडे लॉन्ग ट्रेड आपको पॉसिबल लग रहा है, और ये रेंज ब्लास्ट होती है तो क्या 315-319 फर्स्ट ट्रांच में मिल सकता है क्या? बिल्कुल वीरेन जी, ये स्टॉक में अगर देखें तो एक पिछले 4-5 दिन से एक एक्यूमुलेशन था, उसका आज ब्रेकआउट नियर टर्म चार्ट पे देखने को मिला है, और जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम ओपनिंग के बाद देखने को मिला, बिल्कुल आज के सेशन में लगता है 317-318 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से 305 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करें, 300 तो अभी संपर्क हमारा टूट गया उनसे। आई थिंक राजेश अद्भुते जी आप जरा इस टेक को पूरा कर दीजिए, स्टॉक अब डे हाई पर आ गया है 309.50 टाटा केमिकल से डे हाई, फ्यूचर से डे हाई, अब आपकी राय जरा प्लीज कंप्लीट कीजिए पालवी साहब की बात को। देखिए यहाँ पे जो बेस है, मैं यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग की बात करूंगा, ये 305 के नीचे इमीडिएट जाएगा नहीं, सामने 310 निकलने के बाद 320-324 का इसका टारगेट अनफोल्ड होता है,
तो यस 310 के ऊपर एग्रेसिव बाय करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं कि इस लेवल पर मैं इसको छोड़ूंगा। तो मेरे हिसाब से एट लेवल ऑफ 309.50 इट विल बी क्लियर कट बाय, स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 304 का। ठीक बात है, अब तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। और देखिए आईटी सेक्टर में अगर ढूंढे हैं, क्योंकि यही सेक्टर अब इस समय निकल रहा है नीचे से, तो एक स्टॉक और है एनआईटी टेक्नोलॉजीज, और ये भी देखिए आज का ओपन और लो बिल्कुल सेम है, ₹16.18 पर खुला, ₹16.18 पर लो, और उसके बाद अब ये ₹1618 पर, माफ कीजिएगा ₹16.18 बोल रहा हूं मैं, तो 1670 के आसपास, देखिए 80 के आसपास ये हाई बनाया है। इस पर एक राय बताइए एनआईटी टेक्नोलॉजीज, क्योंकि हाई बीटा शेयर है, खुलने के बाद थोड़ा सा साइडवेज हुआ, बढ़ सकता है क्या, लेना है तो कौन से स्टॉप लॉस के साथ लेना है, पालविया साहब? बिल्कुल हेमंत जी, ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम हमने पिछले 2-3 महीने में देखा, और स्टॉक बिल्कुल जिस तरीके से कंसिस्टेंट बाइंग दिखा रहा है, तो बिल्कुल लेना तो है ये स्टॉक को। थोड़ा भी अगर कोई करेक्टिव एक्शन भी मिलता है तो भी इसको ऐड करना चाहिए, सेटअप काफी पॉजिटिव है स्टॉक का, हमें लगता है इसमें 1720-1740 तक के टारगेट हायर साइड में आते हुए दिखना चाहिए। करंट लेवल से जो स्टॉप लॉस बनता है वो बनता है इसका करीब 1640 के आसपास, तो 1640 के स्टॉप लॉस से बाय करेंगे, 1720-1740 के टारगेट होंगे, हो सकता है ये टारगेट हमें एक या दो ट्रेडिंग सेशन में आते हुए दिखे, लेकिन स्टॉक के सेटअप के हिसाब से बिल्कुल इसको बाय करके चलना चाहिए। ओके, इस बीच आप देखिए विप्रो डे हाई की ट्रेजेक्टरी में है, और डॉक्टर साहब प्लीज एक बार जरा इंडेक्स चेक लेके आइए। इंडेक्स याद रखिएगा, रिलायंस का एडवांटेज पूरा का पूरा निफ्टी को मिल रहा है, लेकिन निफ्टी बैंक वो जो मैं बार बार लेवल कह रहा हूं 22800, उस ट्रेजेक्टरी को अभी भी छूने के लिए तैयार नहीं है। तो निफ्टी बैंक की कमजोरी एग्जैक्टली आपको पुश कर रही है नीचे, 22800 एक सबसे क्रिटिकल लेवल रहेगा याद रखिएगा। बट स्टिल अभी तक ऑप्शन स्टैट्स और साथ ही साथ इंट्राडे बिहेवियर किसी भी प्रकार के ट्रेड के बारे में कोई भी एग्जैक्टली एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं दे रहा है। अभी हमने टाटा केमिकल का ट्रेड लिया था, वो डीहाई की ट्रेजेक्टरी पे है, और कुछ ट्रेड्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। आई थिंक बहुत लॉन्ग के कैंडिडेट्स अभी स्क्रीन पे विजिबल नहीं है, लेकिन राजेश एक बार जरा प्लीज आप थोड़ा सा फार्मा पे ही फोकस करते हैं, फार्मा में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, और एक बार प्लीज फार्मा इंडेक्स लेके आइए। उसके बाद आप देखिए सन फार्मा, देन कैडिला, ये करीब 1% ऊपर है। उसके बाद अगर आप देखें सिप्ला, ये भी अच्छा खासा करता हुआ मूव। आई थिंक यहां से हटता हूं, एक बार सिमेंस पे आता हूं। सिमेंस आज हमारे यहां एक प्रिफर्ड पिक थी भसीन साहब की, अभी पूरे कैपिटल गुड्स में एक सिमेंस अकेला ऐसा स्टॉक है जिसकी कैंडल ग्रीन है आज इंट्राडे बेसिस पे। राजेश मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे कूद के इसको बाय करना चाहिए, लेकिन ड्यूरिंग द डे अगर रिकवरी आती है और स्टेबल होता है ये स्टॉक, तो आई थिंक ये ज्यादा प्रॉमिसिंग बिहेवियर दिखा रहा है। आपकी अप्रोच क्या होगी सिमेंस पे? सिमेंस एक नो डाउट एक अच्छा काउंटर है, मेरे रडार पे है, मेरे बाय लिस्ट पे है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ये होता है, ये 1140-1150 पे बाय हो रहा है, और सामने तो 1180 से 1190 पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो हम अब 1175 पे है, तो सामने 1190 और 1200 ये रेंज निकले तो सिमेंस में बड़ा मोह आएगा, लेकिन वो कब आएगा ये थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल है। तो एज ए ट्रेडर भी करना है तो 1160 के स्टॉप लॉस के साथ करे, और 1190 ये इसका पहला पड़ाव है, 1190 के बाद मैं अग्रेसिवली बुलिश हो जाऊंगा सिमेंस पे, और एक प्राइस टारगेट ऑफ रफली यू कैन से 1300-1300, तो ₹100 का एक बड़ा मोह 1190 के बाद आए। ठीक बात है, चलिए तो सीमेंस पर ये रहा है, लेकिन ये भसीन साहब ने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए धीरे धीरे करके खरीद सकते हैं, ये आज की कॉल नहीं है, उनका कहना है कि अगर आपको गिरावट में खरीदारी करनी है तो ये शेयर और एलएनटी को आपको धीरे धीरे करके लॉन्ग टर्म के लिए जरूर खरीदना चाहिए। लेकिन कोई अगर शॉर्ट वाला ट्रेड दिख रहा हो तो बताइएगा सतपुते जी। देखिए बैंक निफ्टी तो कमजोर है, आरआईएल के दम पर हम ऊपर हैं, और ये बात भी सही है, कोई बैंक्स में अगर आपको कमजोरी किसी शेयर में नजर आ रही हो, क्योंकि वो वीक का पॉकेट है, और अगर कोई मेटल्स में आपको कमजोर स्टॉक नजर आ रहा हो तो बताइएगा। आप देखिए आज सबसे ज्यादा बढ़ने में फार्मा के बाद अब आईटी हरे निशान में आ रहा है, लेकिन आईटी मुश्किल से हरे निशान में, और सबसे ज्यादा गिरने में आगे क्या उनसे हैं, प्राइवेट बैंक्स और फिर पीएसयू बैंक्स और फिर मेटल्स, तो ये तीन स्पेस सबसे ज्यादा कमजोर हैं, और यही बात सुबह हो भी रही थी कि मेटल्स आज नहीं चल पाएंगे, और यहाँ पर लोग बुलिश भी थे देखिए, और ठीक बात भी है बुलिश रहने के पीछे, लेकिन अब ग्लोबल मार्केट देखिए एट द एंड ऑफ द डे कमांड करेंगे, और ये लंबा अब ये वीकेंड भी है, तो जाते जाते
मेटल्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है, कोई मेटल में शॉर्ट का आइडिया हो या कोई बैंक आपको कमजोर लगता हो? पालिया साहब, राजेश जी बताइएगा, पहले राजेश जी से पूछते हैं। राजेश जी बोलिए। हेमंत, मुझे लगता है मेटल में एक स्पेस जो कमजोर है उसमें हिंडाल्को ज्यादा मुझे वीक दिखता है। स्ट्रक्चर इसका यहाँ पे जो वीकनेस हुआ, शुरुआत जो हुई थी 165 के बाद, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट पड़ाव होगा वो कम से कम 152 का होगा। तो मुझे शॉर्ट करना है तो हिंडाल्को को करूंगा। मेरा जो स्टॉप लॉस होगा हेमंत, एट प्रेजेंट इट इज एट 159, तो मैं एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट का बेट लूंगा, जिसका मेरा स्टॉप लॉस होगा 163 का। चलिए, तो आप मेटल्स में अगर आप देखें तो हिंडाल्को में शॉर्टिंग की अप्रोच रखते हैं, 159 का स्तर यहाँ पे है। कल हम क्लोजिंग के वक्त जब भसीन के भरोसेमंद शेयर ले रहे थे तो उसमें एक था यूनाइटेड स्पिरिट्स। यूनाइटेड स्पिरिट्स खुला काफी स्ट्रांग और 614 तक का मूव दिया। मेरे ख्याल से भसीन साहब की कल एक कॉल थी, शॉर्ट कॉल थी HUL पे। डायरेक्टर साहब प्लीज मुझे कन्फर्म कीजिएगा HUL, क्योंकि मैं SB में थोड़ा सा अगर आप देखें मुझे संदेह हो रहा है, लेकिन कल अगर उन्होंने शॉर्ट दी थी तो करीब करीब 2220 की ट्रेजेक्टरी में जी सेल थी ना हेमंत, सेल थी, HUL शॉर्ट था। ओके, हाँ हाँ हाँ, 2178 का लो लगा के आया है HUL, तो करीब 40 रुपए का आपको स्विंग मिला वहां पे, तो अब थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है HUL, तो उनका व्यू लेंगे एक बार, लेकिन दोनों ट्रेड्स अच्छे रहे। 614 तक अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्पिरिट्स के और HUL अभी भी डे लो की ट्रेजेक्टरी के आसपास ट्रेड कर रहा है। कुछ ट्रेड्स और निकालें तो आज मुझे आई थिंक सुबह से एक स्टॉक जो कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है वो है गोदरेज प्रॉपर्टीज। आई थिंक मैं सेक्टर को लेकर बहुत आश्वस्त नहीं हूं, लेकिन इसके टेक्निकल बिहेवियर को थोड़ा समझ लेते हैं। याद रखिए, ये इस दौर के हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री पे ट्रेड कर रहा है, हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री पे। राजेश, आपकी अप्रोच क्या है? इसकी स्ट्रेंथ को आप इस लिहाज से समझ सकते हैं कि ये स्टॉक अपने आप को कितनी खूबसूरती से इवन 10 डेमा के ऊपर प्लेस करने में सक्षम रहा है, और इसका हाईएस्ट जोन जो है जिसको ये पार नहीं कर पा रहा है वो है 905-910। राजेश, एक टेक दीजिएगा इस पर प्लीज। वीरेन, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पे इसने अपने जो गेन्स को होल्ड किया हुआ है, साइडवेज चला गया है पिछले 25 ट्रेडिंग सेशन से, रफली एक मंथ तो साइडवेज है। और आपने जो सपोर्ट कहा 890, आपने बिल्कुल सही कहा, 890 का सपोर्ट लेके यहाँ पे रिकवरी होती है और सामने डिस्ट्रीब्यूशन जो है 910 पे हो रहा है, लेकिन बायस पॉजिटिव है, यानी बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी इस पे हो रही है, और 910 के बाद इसमें शॉर्ट कवरिंग तेज होगी और प्रोबेबली जैसे कि ये आप भी देख रहे हो, इट्स अ ब्लू स्काई टेरिटरी में चला जाएगा, फिर उसमें वो शॉर्ट कवरिंग तेज होगी। अगर आपको इस लेवल पे बेट लेना है तो 898 का स्टॉप लॉस रखें, 910 का पहला पड़ाव, 910 के बाद शॉर्ट कवरिंग प्रोबेबली 930-940 था। ठीक बात है, तो आप देखिए आज अगर रिलायंस एक बार, डॉक्टर साहब हमने वो दिखाइए प्लीज कॉन्ट्रीब्यूटर्स, तो हिंदी में बोलेंगे RIL ने पकड़ कर रखा हुआ है बाजार को। RIL अगर आज 2% ऊपर नहीं होता और टिका नहीं होता तो बाजार में और बड़ी गिरावट हो सकती थी, 11,100 के नीचे तो हम आराम से आ जाते, एक बार देखिए शायद उससे भी ज़्यादा नीचे, लेकिन 11,150 पर अगर निफ्टी खड़ा हुआ है तो RIL की वजह से खड़ा हुआ है, और ये धीरे 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 देखिए करके बढ़ता ही जा रहा है। अभी 2100 की बात हो रही थी, 2107 हो गया, ये देखिए 40 पॉइंट की मजबूती ये स्टॉक दिखा रहा है आज, तो ये हम मैं जो आपसे कह रहा हूँ ये 11 और नीचे हम फिसल सकते थे। RIL और IT और फार्मा, और फार्मा में सन फार्मा की अगर ये अच्छी खबर टेरोवाल नहीं आती, बस ये थोड़े खराब दिन आई, वरना इसमें ट्रेड बहुत बढ़िया वाला मिलता था विरूप, न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है, बस क्या है आज बाजार में गिरावट है तो इसलिए ये स्टॉक उतना तेजी से नहीं पार्टिसिपेट कर पा रहा, लेकिन फिर भी बढ़िया देखिए ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। 3.5% की रैली ये स्टॉक दिखा रहा है इस वक्त भी, जिन्होंने तेजी करी है उनके लिए एक स्टॉप लॉस बताइए और टारगेट बताइए सन फार्मा के लिए। पालिया साहब जी बिल्कुल, जिन्होंने तेजी करी है उन्हें बिल्कुल अब यहाँ से स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 485 के आसपास ले आना चाहिए। 485 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर ये कंटिन्यू ट्रेड करता रहा
तो मुझे लगता है कि जो हम डिस्कस कर रहे थे मॉर्निंग में ओपनिंग के पहले भी कि 505 510 का जोन है वहां तक बिल्कुल इसमें एक अटेम्प्ट ड्यूरिंग द डे देखने को मिलेगा, और एक बार वो ब्रेकआउट अगर होता है तो काफी बड़ा चार्ट पे काफी बड़े कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट माना जाएगा और फिर वहां से एक अच्छी रैली इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। जो हम डिस्कस किए थे 540-560 तक के टारगेट भी आते हुए दिखना चाहिए, तो अभी 585 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। ऊपर के टारगेट अभी भी लगता है कि अगर मार्केट यहां से थोड़ा भी रिकवरी देता है, जिस तरीके के इंडिकेशन दिख रहे हैं, रिलायंस जिस तरीके से सपोर्ट दे रहा है और जिस तरीके से रिलायंस बढ़ रहा है, तो बहुत सारे स्टॉक्स में नीचे से बाइंग हो रही है। मुझे लगता है 505-510 तक के लिए अटेम्प्ट करना चाहिए सन फार्मा को। एक ऑप्शन ट्रेड लेके आइए डॉक्टर साहब प्लीज। एक अलर्ट, आई थिंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आरबीएल अब अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को, और याद रखिए आई थिंक इट्स राजेश जरा प्लीज इसको देखिएगा, कल के टोटल वॉल्यूम का अप्रोक्सीमेटली 85% वॉल्यूम अब तक क्लॉक हो चुका है कल के टोटल वॉल्यूम का। अब आइए आप डेरिवेटिव्स में, डेरिवेटिव्स में आज इसके ओआई में लगभग 13,13,000 आई थिंक ये थोड़ा सा सॉरी एक बार प्लीज इसके फ्यूचर्स की प्लेट लेके आइए, 22,17,000 शेयर जुड़े हैं, 13% बिल्डअप हार्डली 30 मिनट में। राजेश ये एक सरप्राइजिंग बिहेवियर है, किसी कॉल ऑप्शंस के जरिए ट्रेड करना चाहेंगे आई मीन प्लीज एक बार इसकी स्टैट्स लेके आइए। दो कॉल्स लेके आइएगा स्क्रीन पे, 185 की कॉल और साथ ही साथ 190 की कॉल। क्या क्या प्रीमियम है, 185 की कॉल का प्रीमियम है 9.90 रुपए और 190 की कॉल का प्रीमियम है 8.15। आई थिंक थोड़ा सा रीजनेबल हो जाए तो 8.15 पे 190 की कॉल। राजेश क्या इस ब्रेकआउट को प्ले करना चाहेंगे डे हाई की ट्रेजेक्टरी में ये स्टॉक? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आरबीएल का लॉट साइज जो है वो 2600 का है, 185 का कॉल 10 रुपए पे मिलेगा तो बढ़िया, बड़ा रिस्क होगा। छोटे रिस्क में काम करें तो 190 का कॉल जो करीबन 8 रुपए के आसपास है, तो मेरे हिसाब से दिस विल बी अ बेस्ट बेट। स्टॉप लॉस आप रखें यहाँ पे 190 के कॉल में करीबन 5-5.5 रुपए के आसपास, ऊपर में मुझे लगता है 12-14 रुपए का एक इंट्राडे टारगेट लेके चल सकते हैं। आरबीएल में देखिए बाजार के सामने अगर आप देखो टेक्निकल सेटअप इस तरह से, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट गेन है, प्राइसेस अप 3.4% और सामने जिस तरह से यहाँ पे घूम रहा है नीचे से, उसका जो नेक्स्ट पड़ाव रहेगा वो 200 EMA रहेगा जो करीबन बनता है 196 पे, तो मेरे हिसाब से 190 का कॉल विल बी सफिशियंट। ठीक बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। अच्छा एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ, देखिए JSW स्टील एक लौता ऐसा स्टॉक है जिस जो आज गिरा नहीं है, इस पे नजर रखिएगा। देखिए इसमें अर्निंग्स हैं और अर्निंग्स अगर हो और अच्छी अर्निंग्स की एक्सपेक्टेशन, आपने देखा कि JSPL के नतीजे अच्छे आए, बाकी कंपनियों के नंबर्स अच्छे आए, ये देखिए ये स्टॉक आज अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है इन कंपेरिजन टू द पियर्स। यही एक ऐसा स्टॉक है जो हैवी वेट्स में इस सेक्टर में आउट परफॉर्म कर रहा है, वरना देखिए एशियन पेंट जहां खुला वहीं पे गिरा, कल भाग गए थे ये सारे स्टॉक्स। ITC मैं कल ही आपसे कह रहा था प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा आप 201.50 रुपए के भाव पर, देखिए वो भी नहीं आज चल रहा है। जी एंटरटेनमेंट इसके भी नतीजे आ जाए, कल भाग गया था काफी पुनीत गोयनका साहब आपके इस्तीफे देने वाली खबर पे, वो देखिए नीचे इस समय कारोबार कर रहा है। तो बड़ी अर्निंग्स का दिन है और बड़ी अर्निंग्स में केवल JSW स्टील का पैटर्न ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़ा और ऊपर जा सकता है नंबर्स के लिहाज से। अगर केवल नंबर्स का पंट लेना हो तो कौन सा स्तर इंपॉर्टेंट है सतपुते जी बताइए, और जिन्होंने जो तेजी कर रहे हैं आई एम श्योर ग्लोबल मार्केट्स के अगेंस्ट देखिए तेजी कर रहे हैं इस स्टॉक में, इस नंबर्स से पहले कैसे अप्रोच करेंगे शेयर को? इसका जो मेन सपोर्ट है वो है 205-206, ये इसका क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है जहां पे 200 EMA बनता है। सामने जो रेजिस्टेंस है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है 215 से 218 का है, सो एट अ लेवल ऑफ 210 आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा 205 का। कंप्लीटली ट्रेडिंग हेड कि यहाँ पे मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करना है, तो 205 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में मैंने जैसे कहा 215-218 ये इसका इंट्राडे टारगेट है। हेमंत जैसे 218 के ऊपर चला जाएगा फिर इसमें बड़ी तेजी हो सकती है, तो ट्रेडिंग बेट यस मैं डेफिनेटली लूंगा। ओके अच्छा अब प्रकाश गावाजी हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रकाश गावाजी से आज की बात करने से पहले मैं आपको एक बार बताना चाहूंगा, कभी कभी तजुर्बा जो होता है ना बहुत बड़ी चीज होती है। हम परसों हेमंत और मैं क्लोजिंग कर रहे थे और स्टॉक एक डे लो की ट्रेजेक्टरी में था और वो था मदरसन सुमी, और प्रकाश जी ने बाय कॉल दी। एक वक्त के लिए मेरे को भी लगा कि यार पता नहीं ये कॉल ठीक है कि नहीं है,
But hats off to you, sir. 9750 अब ये डे हाई पे और पिछले पांच सेशन के सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्टरी पे ट्रेड कर रहा है. तो पहले तो बधाई, आपने एक कॉन्ट्रा कॉल ली. उस वक्त ये स्टॉक सिंक हो रहा था लेकिन एक क्रिटिकल एवरेज पे था. सर आज की आपकी अप्रोच क्या है और आपका पहला स्टॉक? आपने बदल सब चुन की बात की, मुझे अब भी लगता है कि 100 पार कर ही ले 100%. मुझे दो स्टॉक्स अच्छे लगते हैं. एक तो मैं लूंगा निफ्टी पे, लगता है कि जगह अच्छी है और मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा मेरी लॉन्ग पोजीशन निफ्टी पे है. सिर्फ आज के लो का स्टॉक होना चाहिए. 11,100 से निफ्टी फ्यूचर ने बाउंस किया है. पहले निफ्टी की बात करता हूँ, मेरे डिस्क्लोजर है. मुझे एक दो स्टॉक अच्छे लगते हैं. फार्मा बेट मुझे ठीक ही नजर आता है, तो मैं लूंगा यहाँ से सन फार्मा. पॉसिबल है कि यहाँ से एक अपमूव मिले. टारगेट सन फार्मा और आपसे 505 का है, स्टॉक होगा 490 का. तो मुझे यहाँ फार्मा एक सेफ बेट नजर आता है. सन फार्मा आपका पहला टेक होगा, ये पहली कॉल जो कि आपने पकड़ी है फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 492. प्रकाश आपकी दूसरी कॉल? शायद मुझे लगता है कि हीरो मोटर्स जगह अच्छी है जाने के ऊपर, तो आज का लो होना चाहिए स्टॉक 2750 का. ऑन द अपसाइड मेरे ख्याल से 2850 जाना चाहिए. बढ़िया बताया सर आपने हीरो मोटो को. आप अच्छा, अगर एक और तीसरा सेक्टर फार्मा और आईटी के बाद नीचे से देखिए निकल रहा है ऊपर की तरफ, तो वो ऑटो पॉकेट है. और ऑटो पॉकेट के डॉक्टर हैं हमारे मयूरेश जोशी जी. मयूरेश जी, देखिए आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि अपोलो टायर में एक रिकवरी देखने को मिल रही है. मदरसन सुमी 1% ऊपर, जैसा अभी अभी वीरू बता रहे थे. और बहुत सारे ऑटो स्टॉक्स में दरअसल खरीदारी देखने को मिल रही है. अच्छा, आप कोई मर्सिडीज वगैरह इस समय खरीदने के मूड में तो नहीं, ये भी बता दीजिएगा. बहुत सारे ऑफर्स आ रहे हैं. और आपको भारतीय बाजारों में कौन सा स्टॉक पसंद है ये बताइए ऑटो में. अरे तीन गुरु जी, मर्सिडीज तक अब तक पहुंचे नहीं है हम, लेकिन देखते हैं कैसे होता है. बट विद इन द स्पेस इटसेल्फ, जैसे गाबा जी बता रहे थे, मुझे लगता है कि टू व्हीलर्स पे फोकस करना चाहिए. जो रूरल बेस्ड थीम है, आई थिंक दैट शुड वर्क वंडरफुली वेल फॉर हीरो मोटोकॉर्प. दो तीन मेन वजह है इसमें. एक तो आई थिंक जो सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स हैं उसके लिए आई थिंक जो टू व्हीलर मोबिलिटी आएगी और जो एक डीलर रिक्वेस्ट आएंगे विद डीलरशिप्स ओपनिंग अप इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज, हीरो मोटोकॉर्प एक फोकस पे रहेगा, क्योंकि रूरल फोकस और रूरल सेल्स इनकी बहुत ज्यादा है. दूसरा, आई थिंक 100 और 125 सीसी ये जो वेरिएंट्स रहते हैं और इसकी जो प्राइसिंग रहती है, हालांकि BS6 मॉडल्स के बाद थोड़ी प्राइसिंग जरूर बढ़ी है, बट जैसे हम आई थिंक लैंडिंग के आई थिंक फिगर्स देख रहे हैं, आफ्टर फार्म इक्विपमेंट टू व्हीलर्स के बाद एक उलझान बहुत बढ़िया है फ्रॉम अ NBFC रूरल लैंडिंग फोकस्ड परस्पेक्टिव पर. तीसरा, वॉल्यूम डीग्रोथ लाजमी थी पिछले वर्ष के लिए, बट ये वर्ष में आई थिंक जैसे फेस्टिव सीजन भी पास आएगा तो हीरो मोटोकॉर्प एक बहुत चुनिंदा बेट हो सकती है. एंसिलरी की अगर हम बात करें तो अमरा राजा आई थिंक एक का चुनिंदा पिक रह सकता है. लेड प्राइसेस नीचे आ गए हैं, रिप्लेसमेंट डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गली प्लेस्ड है. एट द सेम टाइम अगर आप देखते हैं जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट है इनका, आई थिंक दैट शुड ऑल्सो होल्ड अप प्रिटी वेल कंपेयर टू एक्साइड, जहां पे इनका केपेक्स था, केपेक्स इज ऑलमोस्ट डन. इसलिए नंबर्स, इबिटा मार्जिन और एक्सपेक्टेशंस ऑफ कैश फ्लोज सेकंड हाफ से इंप्रूव होंगे. तो अगर ऑटो में से चूज करना है तो हीरो मोटोकॉर्प टू व्हीलर स्पेस में और एंसिलरी स्पेस में हमारा राजा बैटरीज. ठीक बात है, बैटरी तो लगेगी, बिना इसके गाड़ी तो चलेगी नहीं. और अमर राजा ज्यादा बढ़िया कंपनी है एज कम्पेयर टू एक्साइड आजकल हम देख रहे हैं. और अगर आप 6-7 महीने का 1 साल का चार्ट देखेंगे तो आप यही पाएंगे. लेकिन वीरू, जाते जाते एक दर्जा देना था मुझे, इसलिए मैं सोच रहा था समापन समारोह मैं करूं इस शो का. रिलायंस इंडस्ट्रीज को बनाते हैं बाजार का बादशाह, और बादशाह इसलिए क्योंकि बादशाह ही देखिए होता है वो जो ऐसे खराब समय में भागता जाए. 2100 के ऊपर नए रिकॉर्ड स्तर पर 8 दिनों में देखिए जो इसने तेजी दिखाई है ये सराहनीय है. बाजार करेक्ट इसलिए ही नहीं हो रहा है क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज अब देखिए हैवीवेट भागता हुआ नजर आ रहा है. तो बाजार का बादशाह का दर्जा देना था, इसलिए मैंने सोचा आज रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही दर्जा बनता है. और आई एम श्योर आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं और हमारे सारे मेहमान इससे इत्तेफाक रखते हैं. तो ये वो स्टॉक है जो आज भी देखिए भारतीय बाजारों को सहारा देता हुआ और वन साइड रैली इस स्टॉक में देखने को मिल रही है. और भी दर्जे देंगे शो में आगे, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए CNBC आवाज के साथ. वीरू
को विदा दीजिए, हमारे बाकी मेहमानों को भी विदा दीजिए, नए मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। राजेश पालविया जी हमारे साथ बने रहेंगे। राजेश सतपुते जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मयूरेश जोशी जी बढ़िया स्टॉक्स बताने के लिए। तो 10 के दमदार ट्रेड्स पेश करेंगे ब्रेक के बाद, आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। नमस्कार, 10 कदम में आप सभी का स्वागत है। मेरे सहयोगी हैं इस वक्त इस कार्यक्रम में मेरे साथ हेमंत। और याद रखिए आज के इस दिन को यानी 24 जुलाई को, हालांकि 26 जुलाई को होता है कारगिल विजय दिवस, लेकिन हम उसको सीएनबीसी आवाज पे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं क्योंकि संडे को बाजार नहीं खुला होगा तो आपसे मुलाकात नहीं होगी। और एक बार फिर से उन सभी वीरों को हमारा नमन। और चलते हैं बाजार की तरफ एक बार फिर से, और निफ्टी डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ। और आई थिंक हेमंत सारा का सारा क्रेडिट जो है वो इस वक्त एक स्टॉक को जा रहा है, रिलायंस इंक्लूडिंग पीपी। रिलायंस का जो मार्केट कैप है इस वक्त लगभग 14 लाख करोड़ यानी 14 ट्रिलियन अगर मैं कंपेयर करूं, यानी दूसरी सबसे बड़ी मार्केट कैप वाली कंपनी से टीसीएस से लगभग 6 लाख करोड़ ज्यादा, क्योंकि टीसीएस का मार्केट कैप इस वक्त लगभग 8 लाख करोड़। हेमंत, बहुत सही कहा आपने। तो देखिए आरआईएल को इसलिए अभी बाजार का बादशाह का दर्जा बनाया गया, तब 3% ऊपर था और अब देखिए 4.5% ऊपर है। और इसीलिए वीरू सुबह वाली कमेंट्री में हम यही कह रहे थे बाजार को शॉर्ट मत करिएगा, आप भी मुझे याद है यही कह रहे थे कि शॉर्ट करने वाला मार्केट नहीं है, गैप डाउन खुल सकता है। और अब तक का बाजार का आपको हाल बता देता हूं। गैप डाउन खुलने के बाद देखिए मौके खरीदारी करने के थे और बिकवाली करने के तो कतई नहीं थे। आरआईएल जब तक मजबूत रहेगा तब तक मार्केट देखिए यहां से करेक्ट नहीं होगा, कोई मीनिंगफुल करेक्शन नहीं आएगी, यही बात हुई थी। आज का लो देख लीजिए, हमने अब तक 11,100 को तोड़ा ही नहीं है और पिछले कुछ दिनों से देखिए ये वो एक नया सपोर्ट है जो बाजार जिसके ऊपर नजरें रखा हुआ है। बस ये है कि दो दिन से हमने हाई भी नहीं निकाले हैं 11,240 के आसपास के, वहां जाकर देखिए बाजार रुक जाता है। तो ये इसलिए मार्केट में वेट एंड वॉच वाली रणनीति अपनानी सही होगी और जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनको ट्रेड करने की बात सुबह से की जा रही है। सन फार्मा में तेजी हो रही है, अभी हीरो मोटोकॉर्प में देखिए बाय का कॉल आपको प्रकाश ने दिया और क्या अच्छा रैली ये स्टॉक दिखा रहा है। डॉक्टर रेड्डीज पर देखिए बात तेजी की सुबह से हो रही है। आज बैंकिंग स्टॉक्स बैकफुट पर हैं और ये खाली प्रॉफिट बुकिंग है। एचडीएफसी बैंक ने इतनी अच्छी रैली नतीजों के बाद दिखाई है कि उसको थोड़ा सा देखिए प्रॉफिट बुक होना ही था। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है इसीलिए कुछ स्टॉक्स जो बहुत भाग गए थे उनमें प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन वीरू हफ्ते पर हफ्ते देखना चाहिए। और आप देखिए ये मेरे ख्याल में छठा हफ्ता होगा जब भारतीय बाजार भागते ही जा रहे हैं। आप देखिए पूरा हफ्ता का अगर रिटर्न दिखाएं डॉक्टर साहब तो आप देखेंगे निफ्टी ने और बैंक निफ्टी ने दोनों ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। तो इस हफ्ते करीब करीब 2.5% की तेजी हो रही है अगर यहीं पर हम बंद हो जाएं आज इस समय तो। बहुत ही फैंटास्टिक सेशन था और वीकेंड सेशन हो तो थोड़ा बहुत मुनाफा वसूल करना ही चाहिए। बैंक्स का हफ्ता था और बैंक्स में ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और की शुरुआत में यही बात हुई थी कि ये हफ्ता जो है वो एनबीएफसी और बीएफएसआई स्पेस का होगा। तो मुझे आश्चर्य नहीं है अगर प्रॉफिट बुकिंग हो रही है अमेरिका के बाजारों के फ्यूचर्स को देखकर और अमेरिका को देखकर। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज क्लियर कट आज का विनर स्टॉक है। एक्सपर्ट्स को जोड़ते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो मार्केट को किस तरह से ट्रेड करेंगे और एक नया नया आइडिया भी आपके सामने हम पेश करेंगे। चंदन जी का स्वागत है, राजेश पालिया जी हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। चंदन जी बताइए सबसे पहले आरआईएल पर राय, बाजार का बादशाह का दर्जा इसे अब देखिए लगभग हर रोज मिल रहा है और ये बादशाह की तरह चल भी रहा है, इस पर राय दीजिए। रिलायंस के पार्टली पेड स्टॉक पर राय दीजिए और अपनी एक ट्रेडिंग आइडिया भी बताइए प्लीज। जी नमस्कार, देखिए रिलायंस पे कोई संदेह है ही नहीं और एक लगातार हम इस काउंटर को खरीदारी के लिए लगातार हम इस काउंटर को खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। जब 1500-1600 था तभी हम 2200 के टारगेट दे रहे थे और अब ऐसा लग रहा है कि 2200 का टारगेट छोटा होता जा रहा है। इवन पिछले लगातार दो दिनों से हमारा टॉपिक भी रिलायंस बनता जा रहा है। आज 10 के दमदार में इसलिए नहीं दिया क्योंकि अब इतना चल चुका है और दूसरे काउंटर को सेलेक्ट करें, बट ओवरऑल काफी अच्छा प्राइस सेंटिमेंट है
और स्टॉक ने जो कल के दिन ही जो पिछले 5-6 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है, और यहाँ पे आप देखोगे कि 2000 की कॉल में राइटिंग थी वो अनवाइंडिंग यहाँ पे देखने को मिली टुवर्ड्स द एक्सपायरी। तो ऐसा मानना है कि 2000-2020 के सपोर्ट हायर बेस पर शिफ्ट होते जाएंगे, 2200 तक के टारगेट इमीडिएट बेसिस पे और 2500 तक के रिवाइज एक्सटेंडेड टारगेट यहाँ पे रियलाइज में बनने चाहिए। तो ओवरऑल सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव है और ऐसा लग रहा है कि ये रैली 2200 के अलावा ऊपर में 2500 तक की तरफ शिफ्ट हो जानी चाहिए। रिलायंस पार्टली पेडअप की हम लगातार बात कर रहे हैं और मेरे हिसाब से पिछले कुछ दिनों से हर शो में हम रिलायंस और रिलायंस पार्टली पेडअप की बात कर रहे हैं, उस काउंटर पे भी अभी तक दम लग रहा है और लग रहा है कि कहीं ना कहीं वहां पे भी 8-10% की ओल्ड रैली बननी चाहिए। दूसरा पार्टली पेडअप में ये भी फायदा है कि वहां पे प्राइस कम है और इसलिए वहां पे कम इन्वेस्टमेंट में आपको मोमेंटम मिल जाएगा। तो दोनों ही काउंटर में पार्टली पेडअप की बात करें या रिलायंस की बात करें खरीदारी की सलाह रहेगी। उसके अलावा ट्रेडिंग आइडियाज की बात करें तो दो स्टॉक यहाँ पे हमारे जहन में है। पहला काउंटर रहेगा डॉक्टर रेड्डी। आप देखोगे डॉक्टर रेड्डी एक मेजर ब्रेकआउट पे है और लगातार पिछले कुछ दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है, बट वीकली चार्ट में इसने पोल एंड फ्लैग प्राइस ब्रेकआउट दिया है। वीकली चार्ट में पोल एंड फ्लैग प्राइस का ब्रेकआउट एक बड़ा मीनिंगफुल ब्रेकआउट होगा और लगातार पिछले 4 महीने से इस रेंज में कंसोलिडेट हो रहा है। यदि ये काउंटर 100-150 रुपए चल के होल्ड भी कर गया तो कम से कम 15-20% की रैली इसमें दिखनी चाहिए। बट इमीडिएट बेसिस की बात करें तो खरीदारी की सलाह रहेगी 4070 का स्टॉप लॉस, ऊपर में 4320 के टारगेट। दूसरा काउंटर है वो भी हमारा पसंदीदा काउंटर है, लगातार 4-5 दिन से सजेस्ट कर रहे हैं, मुथूट फाइनेंस। काफी अच्छा मोमेंटम है और गोल्ड के मोमेंट के साथ में भी इस काउंट में मूवमेंट बन रहा है, तो मुथूट फाइनेंस को खरीदारी की सलाह रहेगी। रिवाइज 1295 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में लगभग 1390-1400 तक के टारगेट हासिल होने चाहिए। ओके, देखिए कुछ फ्रेश ट्रेड लेने से अच्छा है कि हम कल के अपने एग्जिस्टिंग ट्रेड्स को भी थोड़ा सा देख लें। डॉक्टर साहब, हो सके तो एक बार भसीन साहब को कॉल लगाइएगा। उनकी HUL की सेल कॉल जो थी, जो कल करीब करीब उन्होंने हेमंत दी थी एग्जैक्टली 3 बजे के आसपास, उस वक्त इसका भाव था 2216, अब 2170 पे ट्रेड कर रहा है। तो उनसे पूछेंगे कि यहाँ पे कवर करते हैं या नहीं करते और क्या करना चाहिए। और दूसरी कॉल थी BEL की, ये थी राहुल की लॉन्ग एंड दैट्स ट्रेडिंग एट डे हाई। जरा पालविया साहब, जरा BEL को थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। अब जरा अगर लॉन्ग ट्रेड हमारे पास है तो कैसे ट्रेल करें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस क्या होंगे? किरण जी देखिए, जिस तरीके से BEL में मोमेंटम आया, ये 105 के आसपास अप्रोच कर रहा है जो कि इसका प्रीवियस स्विंग हाई है, और जिस तरीके से बाइंग एक्शन देखने को मिली है लोअर साइड से और स्टॉक को अगर हम वीकली बेसिस पे देखें तो 6% का गेन इस वीक में है। 105 का लेवल क्रॉस करते से बिल्कुल 110 तक के टारगेट इसमें आते हुए दिखना चाहिए। थ्रू आउट द सीरीज देखें तो इसमें काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली है और जिस तरीके का इसका डेटा है बिल्कुल ये एक स्टॉक बड़े मूव के लिए रेडी है। 105 के बाद इमीडिएट शार्प इसको 108-110 के जोन में इंट्राडे बेसिस पे भी लेके जा सकता है। जिनकी पोजीशन है उन्हें स्टॉप लॉस अप ट्रेल करके 102.50 रुपए पे ले आना चाहिए। सही कह रहे हैं आप। तो राहुल जी को भी जोड़िएगा और भसीन साहब को भी जोड़िएगा, बताइएगा जब वो हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन पालविया जी, पहले आप बताइए आपका ट्रेडिंग आइडिया इस घंटे का कौन सा है, 10 के दमदार ट्रेड में कौन सा स्टॉक आपको बढ़िया लग रहा है? तो हेमंत जी देखिए, रिलायंस तो नो डाउट एक काउंटर था लेकिन ऑलरेडी हम इस पे डिस्कशन कर चुके, तो मेरा स्टॉक जो अभी रहेगा यहाँ पे एट द मोमेंट वो सीमेंट स्पेस से अंबुजा सीमेंट रहेगा। अगर ये स्टॉक में देखें तो जिस तरीके से स्टॉक में एक एक्यूमुलेशन जो पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला है और स्टॉक में आज ओपनिंग के बाद से एक अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली, तो लगता है अंबुजा सीमेंट में आज जैसे ही मार्केट एक थोड़ा भी रिकवरी देगा तो अंबुजा सीमेंट में एक यहां से अपमूव बनना चाहिए जो कि इसको 210 की तरफ लेके जा सकता है। तो अंबुजा सीमेंट करंट लेवल से 197 के स्टॉप लॉस से बाय करने की सलाह रहेगी सीमेंट स्पेस से। और जो दूसरा स्टॉक है वो फार्मापेक से रहेगा, वो रहेगा सिप्ला। हालांकि सिप्ला में देखें तो थोड़ा सा प्रेशर हायर साइड से देखने को जरूर मिला है क्योंकि मार्केट में भी एक ऊपर से प्रेशर जरूर बन रहा है, बट हमें लगता है कि सिप्ला में अब यहां से एक मूव, यहां से पुलबैक का बनना चाहिए क्योंकि पूरे फार्मापेक में कहीं ना कहीं एक बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है और सिप्ला में एक ऑलरेडी एक रैली के बाद एक करेक्टिव मूव जो आना था वो ऑलरेडी आ चुका है और रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। तो मुझे लगता है 660 के स्टॉप लॉस से सिप्ला को यहां से बाय करना चाहिए। हमें लग रहा है कि यहां से वापस से इसमें मोमेंटम बनते हुए दिखना चाहिए और स्टॉक 690-700 की तरफ वापस मूव होना चाहिए। चलिए, इस बीच HUL डेलो पर है। चंदन, जरा रिलायंस पे तो बहुत टेक्स हो गए और आई थिंक रिलायंस इज डूइंग वेल, तो अब थोड़ा सा रिलायंस से बाहर निकल के कुछ और स्टॉक्स पे आते हैं।
कोई ऑप्शन ट्रेड आपके जहन में आ रहा है इस वक्त चंदन, जो कि छोटे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ कैरी कर सकते हैं और आज शुरुआती डिप में जहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको अच्छा लग रहा है? जी देखिए, एक काउंटर यहाँ पे फोकस है। देखिए बीएल की तो आपने बात की, तो उसमें मोमेंटम ऑलरेडी आ चुका है। उसके अलावा आरबीएल बैंक है जो काफी कम चर्चा में रहता है और हम काफी कम रिकमेंड करते हैं, बट इसका जो प्राइस पैटर्न है कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इस काउंटर में थोड़ा बहुत मोमेंटम बनना चाहिए, क्योंकि वीकली चार्ट पे यहाँ पे बॉटम आउट प्रोसेस बन रहा है और वॉल्यूम्स अच्छे खासे हो रहे हैं। ऑलरेडी स्टॉक्स जो 5-6 दिन का कंसोलिडेशन बैंड था उसको पार किया, अभी 183 के आसपास चल रहा है और लग रहा है कि 195 की तरफ का मूवमेंट दिखाना चाहिए, तो इस काउंटर पे यहाँ पे फोकस किया जा सकता है। मेरे हिसाब से आरबीएल बैंक की लगभग जो 190 की कॉल है वो लेनी चाहिए और वो कॉल यहाँ से कहीं ना कहीं डबल हो सकती है। एक्सपायरी वीक है इसलिए प्रीमियम कम है और डबल के टारगेट यहाँ पे होने चाहिए। ठीक बात है, तो इसके ऊपर रखिएगा नजर। लेकिन देखिए भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राहुल शर्मा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन जी के भरोसेमंद शेयर 3 बजे जरूर देखा करिए, ये मैं आपको याद दिला रहा हूं, पर रिमाइंडर भी आप लगा सकते हैं अपने फोन पर, क्योंकि देखिए कल जैसे बाजार में दिन के उच्चतम स्तर पर जिगर चाहिए सेल देने के लिए और जिगर चाहिए एचयूएल जैसे स्टॉक में सेल देने के लिए। तो ये गहरी रिसर्च है जो भसीन साहब ने देखिए करी है इतने सालों से, और उसके बाद 3 बजे वो आपको एक कॉल हर रोज देते हैं। तो मंडे टू फ्राइडे जरूर देखा करिए ये खास शो, ये खास सेगमेंट, और ठीक 3 बजे हम उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो भसीन साहब सबसे पहले आपको बधाई, आपने एचयूएल में जो सेल आइडिया दिया था आप कल, उसने तो कमाल ही कर दिया। अब 2170 रुपए का आपका जो टारगेट था दिखाई डायरेक्टर साहब, एचयूएल का स्टॉक बताइए प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाया जाए? एक बार फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू हेमंत जी, वो बिल्कुल ठीक है, आपको प्रॉफिट हुआ है 3% का, बुक कीजिए। उसके सामने मैंने मैकडॉवल में बाय किया था, वो 614 हिट करके 605 है। कल रेडिको खेतान के नंबर बहुत बढ़िया थे, मैकडॉवल विल कम आउट विद वेरी गुड अर्निंग्स नेक्स्ट वीक, बने रहिए, थोड़ा डिप पे लीजिए, दैट वुड बी माय स्ट्रेटेजी। और आप अगर कहें तो मैं अभी आपके लिए एक और मैं एक पैर स्ट्रेटेजी दे सकता हूँ जो आपके के लिए काम कर। तो इसमें सर आईडीएफसी फर्स्ट मेरा एक मनपसंद बैंक है, उसमें मैं बाय कहने रिकवरी 27.5 में लीजिए, 26.40 रुपए का स्टॉप लॉस, 29.5 का टारगेट, सामने हिंडाल्को में सेल दीजिए, मेटल्स आर वीक, 58.59 में बेचिए, 63 का स्टॉप लॉस है, 50-52 रुपए का टारगेट। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है आपका बाय है, बाय है याद रखिए, इट्स अ पेयर ट्रेड, करीब करीब 28.10 पे ट्रेड करता हुआ यहाँ पे, और मेटल्स में हिंडाल्को जो है वो आई थिंक सेल है करीब करीब 157.45, ये आपके स्क्रीन पे जो है वो कैश के भाव है, तो प्लीज प्रीमियम डिस्काउंट्स जो कि डेरिवेटिव्स में होंगे उसको कंसीडर कर लीजिएगा। वसीन साहब, आज बैंक्स में थोड़ी सी कमजोरी है और एक बड़ा इवेंट है, आईसीआईसी बैंक के नंबर्स हैं और आईसीआईसी बैंक ने ही ड्राइव किया था, ये बताइए कि अगर डिप में कोई बैंक लेना हो तो आप क्या प्रेफर करेंगे, या फिर आप नेक्स्ट वीक ही पॉसिबली कोई बैंक लेना चाहेंगे, वीकेंड पे किसी भी डिप में कोई बैंक बाय नहीं करना चाहेंगे? दूसरा देखिए, बने हुए हैं तो एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक हमने पहले भी कहा है, मुझे आरबीएल बैंक और आईडीएफसी फर्स्ट बहुत बढ़िया लगते हैं, डिक्लाइन में ले सकते हैं, और बट वीरेंद्र प्लीज हेज करके चलिए, मार्केट में कमोडिटीज में काफी सेलिंग आ सकती है, एंड यू हैव टू बी वेरी के मार्केट आर एट अ पीक लेवल। तो यहाँ ट्रेडिंग के लिए आपको दोनों तरफ सौदे बताऊंगा, मंदी के भी तेजी के भी, क्योंकि हेज करके चलना बहुत जरूरी है हेमंत जी, वरिंदर जी, क्योंकि मार्केट बहुत चौपी हो सकती है यहाँ पे। बट जैसे आपने कहा, आई वुड रिकमेंड आरबीएल बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट फॉर द स्लाइटली ब्रेव हार्टेड, एंड आईसीआईसी एंड एचडीएफसी फॉर द वन हू वांट टू स्टे विद इट। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, 3 बजे फिर से मुलाकात होगी वसीन साहब, धन्यवाद आपका। और हिंडाल्को थोड़ी देर पहले वीरू, जब हम लोग ने मेटल्स की मंदी पकड़ी थी तो राजेश सतपुते भी कह रहे थे कि पहला मेटल जो शॉर्ट करने के रडार पर उनके आता है वो वही आता है। तो देखिए टेक्नोफंडा कॉल भी हो गया, हमारे वसीन साहब भी कह रहे हैं इसे बेचिए और टेक्निकल एक्सपर्ट राजेश सतपुते भी कह रहे हैं उसे बेचिए। लेकिन कल के बाजार में आप देखिए बीईएल खरीदारी करने की राय आपको दी गई थी शर्मा जी द्वारा, तो शर्मा जी स्पेशल जरूर देखा करिए, और ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे हमारे साथ होते हैं आखिरी सौदा में, मंडे होते हैं सीएनबीसी आवाज पर इसी शो में। पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही फैंटास्टिक कॉल था, पीएसयूज में रैली थी,
बाकी पीएसयूज में रैली रुक गई है, लेकिन बीएल में तेजी कंटिन्यूड है। बाप बताइए बाप शर्मा जी, कैसे देख रहे हैं, प्रॉफिट बुक किया जाए या स्टॉप लॉस ट्रेल किया जाए? थैंक यू हेमंत जी, ये ट्रेड काफी बढ़िया रहा। आई थिंक स्टॉप लॉस ट्रेल करने में ही प्रूडेंसी होगी। 101 से 50 के आसपास हमने इसे बाय किया था, तो इसको इसका जो स्टॉप लॉस है वो जरूर ट्रेल करने। इसमें टारगेट जो है 120 का अभी भी इंटैक्ट है। आज थोड़ा निफ्टी थोड़ा सा नरमा जरूर दिखा रहा है, लेकिन अगर 11,055 का लेवल अगर नहीं टूटता है तो मेरे हिसाब से निफ्टी में जो एक तरह से स्ट्रेंथ है वो बरकरार रहेगी। तो बीएल में स्टॉप लॉस ट्रेल जरूर करें और साथ में 120 का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। राहुल जी शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और कल की अपनी रणनीति पर आपने विचार फिर से रखा और जो ट्रेडर्स हैं उनको गाइड किया। यहाँ पे कुछ स्टॉक्स को और लेके आइए जो कि अच्छा कर रहे हैं। आरबीएल अब टॉप गेनर हो गया और वो सारे ऑप्शंस जो कि हमने सुबह लिए थे, सुबह इनफैक्ट मैंने वो 8 रुपये पे कॉल ली थी 190 रुपये की, वो 8.60 है, लेकिन जब मैंने बात की थी तो उस वक्त करीब करीब 9.83 रुपये का हाई लगा के आ चुकी थी। और कुछ निकालने की कोशिश करते हैं। याद रखिए पहली चीज है, इसमें कोई दराय नहीं, अभी भसीन साहब थे, हम सबसे वरिष्ठ थे, वो बाजार काफी हायर लेवल्स पे हैं, तो अगर हम लॉन्ग भी कर रहे हैं और कुछ ग्रिप में आ भी रहा है तो ट्रेड थिन, जो भी आपका यूजुअल वॉल्यूम होता है जिसपे आप ट्रेड करते हैं उसका आधा या एक चौथाई रखें तो वो सबसे सही होगा। इस बीच HDFC डे लो की तरफ खिसकता हुआ और डे लो की ट्रेजेक्टरी में है। एक बार हल्का सा कमेंट मैं चाहूंगा आपसे इसका बिहेवियर को लेकर चंदन। अभी HDFC अगर सिंक हो रहा है तो डे लो की तरफ है ये, और कहां तक खिसक सकता है? क्या 1800 पॉसिबली जोन जो है वो नीचे मिल सकता है? मैं 1800 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो इसका एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। एग्जैक्टली विनो आपने बिल्कुल सही कहा, और ऐसा लग रहा है निफ्टी शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट होगा, और अब जो भी ट्रेडर्स है उनको ये सलाह रहेगी थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि बाजार ने काफी अच्छा मोमेंटम पिछले कुछ महीनों में दे चुका है। और देखिए पुट कॉल रेशियो 1.90 पे आ चुका है, मतलब लोगों को मंदी लगी नहीं रही है, और एक कॉल के सामने दोगुना पुट बेची हुई है। तो जब भी ऐसा सिनारियो होता है थोड़ा सा बाजार में एक कंसर्न रहता है, हालांकि ट्रेंड इंटेक्ट है उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, बट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग शायद हो सकता है ऊपर के लेवल पे स्टॉक स्पेसिफिक। तो आपने बिल्कुल सही कहा, HDFC जो लिमिटेड है उसमें प्रॉफिट बुकिंग बन सकती है। इनफैक्ट आप देखोगे कुछ दिन पहले इस काउंटर ने लगभग 1953 का हाई बनाया, उसके बाद में करेक्शन दिया, और इस बार इस काउंटर ने 1910-15 के लेवल को नहीं पार किया, तो कहीं ना कहीं वापस फिसल कर जो इसका 50 डे है 1800 और फिर जो इमीडिएट स्विंग लो है 1770-1780 वहां तक जा सकता है। तो देखिए HDFC लिमिटेड में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और मैं मेरी नजरें तो रिलायंस से हटी नहीं रही हैं बाब, और मुझे याद है राहुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं मेरे ख्याल में, एक बार डॉक्टर साहब बताइएगा कल का शो जब चल रहा था आखिरी सौदा तो 2100 का कॉल उन्होंने दिलाया था 50 रुपए पर, एक बार दिखाइए डॉक्टर साहब एक हाँ बने हुए ना तो बात करा दीजिए एक बार प्लीज डॉक्टर साहब, 2100 का कॉल दिखाइए। सब 2000 की बातें जब चल रही थी, देखिए तब 2000 का कॉल दिलाया था, 2100 का कॉल 50 रुपए पे, मुझे ठीक तरह से बिल्कुल क्लैरिटी से याद है। वीरू अपनी लॉग बुक में भी देखकर बताइएगा, वैसे मुझे याद ही है ये 2100 का एक बार कॉल दिखाइए डॉक्टर साहब 50 रुपए पर दिलाया गया था, मेरे ख्याल में यहाँ पर डबल हो गया वो कॉल, ये देखिए लगभग। तो इस समय 2100 वाला जो कॉल है ये आपके स्क्रीन्स पर है, 50 पर अगर आपने खरीदा 8370 का देखिए भाव आपकी स्क्रीन्स पर नजर आ रहा है। राहुल जी इसके लिए भी बधाई, अभी क्या करें बताइए। बिल्कुल देखिए रिलायंस में जो तेजी देखी है 2000 क्रॉस करने के बाद जो एक तरह से पंख लग गए है स्टॉक को, तो यहाँ पर जो कल हमने कॉल ऑप्शन दिलाया था 2100 का उसमें डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करना चाहिए, पैसे डबल से ज्यादा हो चुके हैं, तो यहाँ पर डेफिनेटली सेंसिबल है कि प्रॉफिट बुक करें। अगर डिप आएगा तो फिर से रिलायंस में कॉल ऑप्शंस देखेंगे, बट फिलहाल इसमें कॉल ऑप्शंस में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। इस बीच अगर आप देखें थोड़ा सा बायोकॉन नीचे खिसकता हुआ और डे लो की ट्रेजेक्टरी पे है, तो पोस्ट नंबर्स अगर आप देखें जो बिहेवियर है बायोकॉन का अच्छा नहीं है, और बायोकॉन को मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि ये डे लो की ट्रेजेक्टरी में भी है, लेकिन एक और चीज़ है कि ये लगभग अपने पिछले आप ये समझ लीजिए कि 3-4 सेशन के लोस को ब्रीच कर रहा है। चंदन कैसे अप्रोच करेंगे आप, क्योंकि 10 डेमा को ब्रीच कर दिया है, पॉसिबली अपने 2 हफ्ते की रेंज को ब्रीच कर रहा है, और खिसक के कहां, आई मीन 410 और 405 तक आ सकता है, क्योंकि अब जो वैलिड सपोर्ट है वो साइकोलॉजिकल 400 का ही है
और नीचे की तरफ वहीं आता है आपका 20 डे मा, तो यहाँ पे कोई शॉर्ट कॉल की राय होगी या फिर अवॉइड करेंगे आप? जी देखिए डिप आ सकते हैं, बट मैं बताऊं फार्मा में हम उतने नेगेटिव नहीं है, बट काउंटर देखें आप पिछले 7-8 दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं और ऊपर में बार बार इसमें 435 से लेके 445 के जोन में सप्लाई आ रही है, तो सप्लाई की वजह से ये सपोर्ट को रिट्रेस कर सकता है और सपोर्ट लगभग आपका 400 के आसपास आता है, तो या तो आपको थोड़ा सा डिप प्ले करना है तो डिप करें, अदरवाइज जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर उनको यही सलाह रहेगी कि 400 के आसपास आए तो ले। मेरा मानना है कि ओवरऑल थोड़ा कंसोलिडेशन या डिक्लाइन के बाद मोस्ट ऑफ द फार्मा काउंटर में काफी अच्छा तेजी भी अभी भी होना चाहिए। ठीक बात है, तो फार्मा स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की एक बात और मैं आपको बताना रह गया है, वो ये है कि बीएनपी पारिबा की जो रिपोर्ट है वीरू, उसमें 2317 के टारगेट मेंशन है। आप सोचिए बीएनपी पारिबा जैसे ब्रोकरेज हाउसेज 2317 के लक्ष्य के लिए बात कर रहे हैं, यानी यहाँ से कितनी और रैली बाकी है, इसीलिए हम लोग बार बार इस स्टॉक की बात कर रहे हैं और बाजार का बादशाह का दर्जा भी इस स्टॉक को दिया है। लेकिन चलिए आपको बता देता हूँ और कहाँ कहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है। प्रॉफिट बुकिंग एक्सिस बैंक में भी है और बहुत अच्छा रैली स्टॉक ने भी दिखाई है इस पूरे हफ्ते, इसने और आईसीआईसीआई बैंक ने तेजी दिखाई। और आईसीआईसीआई बैंक में वीरू सुबह की कमेंट्री में 8 बजे हम कह रहे थे प्रॉफिट एक बार जरूर निकाल लीजिएगा, हालांकि नंबर्स अच्छे आने की एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये वो अच्छा ये देखिए इस समय रिलायंस की रिपोर्ट भी आपके सामने फ्लैश होती हुई। और कौन से स्टॉक्स हैं जहां कमजोरी है? कल सेकेंड हाफ में अचानक से मैं देख रहा था कि हाई बीटा रियल एस्टेट शेयर चल गए थे, आज देखे नहीं चल रहे हैं, जहां खुला वहां से हाई बनाकर डीएलएफ गिरता ही जा रहा है। और वो जो खबर थी उसमें कोई दम नहीं था वीरूप कि भैया कुछ प्रोजेक्ट्स को सरकार स्पेशल विंडो के तहत 8,700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स को राहत दे रही है, तो कल रियल एस्टेट शेयर चल गए थे और देखिए आज यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है डीएलएफ, क्योंकि आज हाई बीटा शेयरों में गिरावट का दिन है। डीएलएफ में और नीचे के लेवल्स क्या हासिल हो सकते हैं, कौन से स्तर इंपॉर्टेंट हैं? चंदन जी बताइए प्लीज। देखिए डीएलएफ का स्ट्रक्चर वीक है और एक तरफ जहां बाजार चल रहा है डीएलएफ, दूसरी तरफ वीकली चार्ट पे लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। इनफैक्ट इस पूरे वीक में एक डोजी कैंडल बना के प्रीवियस वीक का हाई नहीं निकाल पाया, तो कंटिन्यूसली यहाँ पे वीकनेस है इस काउंटर में। और मेरा मानना है कि यहाँ पे लगभग जो इसके रिसेंट स्विंग लो है 135 और उसके नीचे काउंटर 128-129 और रिसेंट स्विंग लो को भी छू सकता है, तो इस वक्त ना सलाह ये रहेगी कि 145-144 का स्टॉप लॉस रखिए, नीचे में सबसे पहला छोटा टारगेट 135 और उसके नीचे 129 तक के डाउनसाइड टारगेट बनने चाहिए। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर आप देखें आज ऑटो स्टॉक्स में भी है और टीवीएस मोटर साथ ही साथ, अभी जो हेमंत ने जिक्र किया डीएलएफ का, मैं उसके बारे में एक चीज बताता हूं कि यह सारे एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और इसमें इस स्टॉक में याद रखिएगा बेस नाम की कोई चीज़ नहीं है, हम अमूमन लॉन्ग ट्रेड के लिए बेस खोजते हैं और बेस यहाँ पर दूर दूर तक नहीं है। हिंडालको पे भसीन साहब की सेल कॉल थी, सुबह सुबह राजेश हतपुते की सेल कॉल थी, हिंडालको अब डे लो की ट्रेजेक्ट्री में है 156.95 और इसमें बड़ी बात यह है कि ये परसों के लो को ब्रीच कर चुका है और अब डे लो की ट्रेजेक्ट्री की तरफ जाता हुआ। और एक और चीज जो अगर आपके पास शॉर्ट ट्रेड है तो याद रखिएगा आपके फेवर में है कि इसने 200 डेमा का आज का हाई था वो पिछले 10 सेशन का लो था, तो वो टूट गया और अब ट्रेडिंग में बहुत इंपॉर्टेंस होती है 20 डेमा की, ये उसके नीचे स्लिप हो चुका है, तो ये ट्रेड आपके ग्रिप में है तो इस पर नजर रखिएगा। एस्कॉर्ट्स आज बहुत दिनों बाद प्रॉफिट बुकिंग मोड में आया है फाइनली। चंदन एक बार एस्कॉर्ट पे अपना टिक दीजिएगा, आई मीन लोग यहां पे बहुत अच्छे प्रॉफिट से बैठे हैं, अभी भी ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये अब सिंक हो जाएगा, लेकिन कोई ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगवाएंगे आप यहाँ पे? ये देखिए एस्कॉर्ट्स की बात करें तो मेरे हिसाब से काउंटर काफी अच्छा ट्रेंड था, वीकली सेटअप काफी अच्छा है, बट देखिए कोई ने काउंटर कहीं ना कहीं किस लेवल पे थोड़ा बहुत तो मुनाफा वसूली देता है। पिछले आप लगभग इसमें 4 महीने में देखें तो 560 वाला काउंटर लगभग 1218 के आसपास चला गया, तो ट्रेंड जरूर इसका पॉजिटिव है, बट मेरे हिसाब से अब मुनाफा वसूल करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1100 इसका एक मेजर लेवल है, मेरे हिसाब से 1100 और 1080 वहां तक के लेवल शायद वापस रिविजिट हो जाए। ऑलराइट चलिए तो ये रहा है एस्कॉर्ट्स पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग। देखिए आज का शब्द जो है वो है प्रॉफिट बुकिंग, वीकेंड से पहले प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, बुल्स थक गए हैं थोड़े से तेजी कर करके, और होता है वीरू कभी कभी आप मैच खेल रहे होते हैं और आप जीत रहे होते हैं 10-0 से और 2 मिनट बचे होते हैं,
तो आपको आखिरी दो मिनट की परवाह नहीं होती, आप कहते हैं चलिए ठीक है यार दो गोल मारने दो इनको, कोई बात नहीं जीतना तो वही है। आज बिल्कुल वैसा ही माहौल है, तो बुल्स की जीत हो रही है ध्यान रखिएगा। और ये मैं इसलिए आपको उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि आपको हफ्ते दर हफ्ते देखना चाहिए, और हफ्ते में अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 2.5% की तेजी के साथ ही भारतीय बाजार बंद होने की तैयारी कर रहे हैं। तो एंजॉय करिए, मायूस मत होइए, जो लोग पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं उनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। चंदन जी मुस्कुरा रहे हैं, लग रहा है चंदन जी कुछ ऐड करना चाहते हैं। चंदन जी ऐसा ही है ना जी? और दूसरा आपने क्रिकेट का एग्जाम्पल शामिल किया तो उसको सुन के काफी अच्छा लगा, और वीकेंड है तो क्रिकेट का माहौल तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है। और आपने बिल्कुल सही कहा, देखिए सीएनबीसी आवाज की पहल काफी अच्छी है, आप कन्विक्शन से ट्रेड दिलवाते भी है और साथ में लोगों को सजेस्ट भी करते हैं कि प्रॉफिट बुकिंग करें। और ध्यान रखिए टेक्निकल और डेरिवेटिव्स के अलावा मनी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। रियल में पैसा तभी बनता है जब आप सही आइडियाज को प्रॉपर वे से ट्रेड करके मनी मैनेजमेंट करें, और रियल में वही इन्वेस्टर और ट्रेडर अपने पॉकेट में नेट टू नेट पैसा बचा के घर जाएगा। सर आप जैसे और पालिया जी जैसे जब एक्सपर्ट हमारे साथ हो तो हमारे दर्शकों को डरने की कभी भी बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। आप लोग इतने बढ़िया बढ़िया स्टॉक्स गाइड करते हैं, मजा आ जाता है। कहते हैं एक और एक 11 होते हैं, और देखिए स्क्रीन पर 4-1 हैं, बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। फिर से मुलाकात होगी वीरू और मेरे से आखिरी सौदा में, 2 बजे जरूर जुड़िएगा। भसीन साहब को हम फिर से 3 बजे जोड़ेंगे, एक्सपर्ट्स का नया दमदार पैनल होगा हमारे साथ। हैप्पी वीकेंड, मजे करिए आप दोनों, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 250 पॉइंट नीचे छोड़े जाते हैं सेंसेक्स को, 450 पॉइंट नीचे छोड़े जाते हैं बैंक निफ्टी को, और 1.5% की गिरावट करीब करीब मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार का बादशाह रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज का पार्टली पेड स्टॉक्स, ये बाजार को आज फिर से सहारा दे रहे हैं। धन्यवाद, और अगला कार्यक्रम है ट्रेडर्स हॉटलाइन। कोई भी सवाल हो आपके जहन में तो हमारे एक्सपर्ट्स आपकी मदद करेंगे, कहीं मत जाइए। देखते रहिए देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज। नमस्कार।